Good evening, good evening. आज आपने सबसे पहले जुड़ा है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए आप लोग हेडिंग डालिए गोइंग प्लेसेस, गोइंग प्लेसेस लिखो सभी लोग, गोइंग प्लेसेस, गोइंग प्लेसेस, हेडिंग डालो सभी लोग गोइंग प्लेसेस। थोड़ा मोटा चर्चा कर लेते हैं गोइंग प्लेसेस। इसका लिंक भेजोगे दीपांजलि, कौन सा लिंक भेजिए? हाँ, बुक चलेगी और थोड़ा सा ग्रामर चलेगा, दोनों चलेगा। जो चर्चा कर देंगे वो बच्चों को अच्छा लगने लगेगा, एग्जाम में फायदा कर देगा, इसलिए हर चीजों पे चर्चा करना जरूरी है। गोइंग प्लेसेस से हम लोग पढ़ेंगे, गोइंग प्लेसेस की कहानी आप लोग पढ़े ही होंगे। गोइंग का मतलब जाना, प्लेसेस माने डिफरेंट प्लेस, बहुत बहुत जगह पे वंडर करती है, बहुत बहुत जगह घूमती है। और गोइंग प्लेसेस के साथ साथ कुछ उसके साथ साथ ग्रामर भी चलता रहेंगे ना। व्हाट आई एम डिस्कसिंग, जो हम डिस्कस करेंगे आपस में चर्चा करेंगे उसको आप दोबारा से पढ़ेंगे तो वो इंटरेस्टेड बन जाएगा, ठीक है। इसलिए मेरा उद्देश्य है कि एक दो चैप्टर जो भी पढ़े हुए हैं उनको आप अच्छे से पढ़िए और आप अपनी जो है मान लीजिए टाइम बराबर चेंज होगी, कल साथ ना चले क्लास, तो ऐसे में आप लोगों को ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। कब भी टाइम ले रहे हैं आराम से आराम से। गोइंग प्लेसेस मतलब क्या हो गया, वो हमेशा ए.आर. बार्टन जी लिखे हैं, और गोइंग प्लेसेस का मतलब सी वंडर्स, डे ड्रीमर है, डे ड्रीमर लिखो सभी लोग, डे ड्रीमर, डे ड्रीमर शब्द पकड़ो, शब्द सीखो, मीनिंग सीखो, डे ड्रीमर लिखो, डे ड्रीमर, डे ड्रीमर लिखो सभी लोग, डे ड्रीमर, डे ड्रीमर, डे ड्रीमर का मतलब जो आपने दिन में ख्वाबों में खोया हो, दिन में सपनों में खो जाए, दिन में सपना देखा हो, ये डे ड्रीमर है कौन? डे ड्रीमर का मतलब होता है दीवा स्वप्न देखने वाला। तो डे ड्रीमर का मतलब क्या होता है, जो दिन में ही सपना देखने लगे, दिन में ख्वाबों में खो जाए। और सबके अंदर ये थोड़ी थोड़ी होती है कभी कभी हम लोग जब, और अक्सर जो प्रेमी हृदय होता है वो ज्यादा देखता है ये सब सपने, और खासकर जो नई नई उम्र में होते हैं तो हाँ ठीक है। अब डे ड्रीमर तो कम पूछता है, लेकिन इसका एक शब्द आता है रेवरी, ठीक है, रेवरी, रेवराई बोलते हैं। तू जो स्पेलिंग लिखो, लिखो आर ई, लिखो आर ई वी ई आर आई ई, हाँ लिखो सभी लोग आर ई वी ई आर आई ई, हाँ डे ड्रीमर का मतलब होता है रेवराई, ठीक है। हाँ अब इसको मैं देखना पड़ेगा इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, डे ड्रीमर को आर ई वी ई आर आई ई है ना, तो इसका क्या हो जाएगा अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में देखा जाए। स्पेलिंग गलत लिख दिया बीके नितियंस, हम बोल रहे हैं आर ई वी ई आर आई ई, आर ई वी ई आर आई ई लिखिए, प्रणाम प्रणाम, आर ई वी ई आर आई ई ये लिखिए सभी लोग। तो इसमें एक लड़की है जिसका नाम क्या है, क्या नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हीरोइन, जो हीरोइन इसकी है, जो मेन कैरेक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है क्या, सोफी, लिखिए सभी लोग सोफी, ठीक है। हाँ उसका नाम है सोफी, कीप इन योर माइंड द एक्ट्रेस, द मेन कैरेक्टर, द लीड वन, हु जो लीड रोल करती है उसका नाम है सोफी। अब रेवरी लिख के सामने वन हु ड्रीम्स,
ठीक है, जो दिन में सपना देखता उसे क्या कहते हैं? अगर इसको वर्ब करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा बताओ इसको? हाँ, जैसे आपने दिवा स्वप्न देख लिया, उसी को वर्ब बनाना हो तो क्या हो जाएगा? रेवरीफाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेवरीफाई। लिखो रेवरीफाई सभी लोग, ठीक है। रेवरीफाई मतलब होता है दिन को स्वप्न बना देना, ठीक है। रेवरीफाई लिखो सभी लोग, रेवरीफाई, REVERII, ठीक है, REVERIFY लिखो। रेवरीफाई मतलब होता है कि जो वर्ब बन जाती है। हाँ, तो लेकिन हमारे ख्याल से यहाँ हट जाता है इंटरफ्रेंस, यहाँ बाद में ई नहीं रह जाता रेवरीफाई में। यही चीज मैं सिखाना चाह रहा हूँ। आपने देखो रेवरी में लिख दिया आई था, लेकिन जब रेवरीफाई करेंगे तो ई खत्म हो जाएगा, REVERIFY हो जाएगा। देख लीजिए, स्माइल गर्ल से सीखो, इससे आपको कोचिंग करनी पड़ेगी। ये लड़की बहुत तेज लग रही है। तो रेवरीफाई का मतलब हो जाता है कि वर्ब बनाना, ठीक है, इट इज वर्ब। लेकिन तो ध्यान देना आप लोग, रेवरी में जब भी वर्ब बनाना होगा तो ई हट जाता है। यही इसकी टेक्निकल पॉइंट है जो बाद में आपको मदद करेगी, आज हम सिखाए हैं। तो रेवरीफाई का मतलब कौन देखती है? सोफी देखती है, ठीक है। सोफी एक लड़की है जो दिन में ही सपना देखती है। और रेवरीफाई को लिख दो वन हु ड्रीम्स इन द डे, लिखो जल्दी से, जो दिन में सपना देखता है, वन हु ड्रीम्स इन द डे लिखो, ठीक है। हाँ, इन डे, इन द डे दिन में के दो, ठीक है, जो दिन में ही सपना देखे, इन डे लिख दो, इन द डे लिख दो, जो भी लिख दो, वन हु ड्रीम्स, जो दिन में ही सपना देखे उसे क्या कहेंगे? और ये लड़की कितनी उम्र की है? इसकी उम्र कितने वर्ष की है बताओ आप लोग? इसकी उम्र कितनी है? इसकी उम्र, व्हाट इज द एज ऑफ द सोफी? सोफी की उम्र क्या है? उसकी एज क्या है? जल्दी बताओ आप सभी लोग। हाँ, इसकी उम्र क्या है? व्हाट इज द एज ऑफ, इसका क्या क्या उम्र बताओ आप सभी लोग, जल्दी से, जल्दी सभी लोग बताओ इसकी लड़की की उम्र कितनी है? वन हु इन ड्रीम्स इन डे, जो दिन में ही सपना देखने लगे उसे कहते हैं, उसकी उम्र कितनी है बताओ सभी लोग, उसकी उम्र कितनी है? हाँ बताओ जल्दी से, उसकी उम्र कितनी है? ये कितनी है? यस, 13 से 19 साल के बीच में है, जो कि एकदम एग्जैक्ट नहीं है। उसकी उम्र है 17 साल, ठीक है, 17 से 18 साल। क्योंकि जब उसमें बात करते हुए ये पता चलता है कि जल्दी, और टीनेजर का मतलब होता है टीन एज, 13 से, देखो 13 में टीन आता है, उसके बाद 19 तक टीन आता है, तो टीनेजर है, पर उसकी उम्र लगभग 17 साल के आसपास है। मैं क्लियर नहीं बता रहा हूं क्योंकि बातचीत में कंफर्म होता है। अगर आपको सब चीज आ जाता है, 14 दे देता है, 15 दे देता है, 16 देता है, 17 देता है, तो 18 साल तो नहीं है, लेकिन 18 साल से पहले 17 साल है, इतना हो सकता है। तो उसकी उम्र अराउंड जो है 17 ईयर्स है। लिखो अराउंड, लगाओ अराउंड 17 ईयर्स लगाओ, सभी लोग लिखो अराउंड 17 ईयर्स। उसकी उम्र लगभग 17 साल है। अब देखो 13 एड, जो ये उम्र होती है 13 से 17 साल, इसको एडोलसेंस बोलते हैं। इसने देखिए, सौम्या सिंह ने लिख दिया एडोलसेंस, लिख दिया, सभी लोग लिख लीजिए, ठीक है। एडोलसेंस की स्पेलिंग सही है क्या? हाँ, एडोलसेंस, एडोलसेंस की स्पेलिंग सही है क्या? हाँ, एडोलसेंट है, ठीक है। ये देखो इनका बी के नीचे सही है, एडोलसेंट्स। तो एडोलसेंट्स की मीनिंग क्या हो जाएगी? हाँ, इनका एडजेक्टिव अच्छा था, तो एडोलसेंट्स का मतलब होता है, हाँ, तो टीनेजर का मतलब समझ गए, एडोलसेंस का मतलब समझ गए आप लोग, ठीक है। हाँ, तो आगे देखेंगे आप लोग, दूसरा वाला वाक्य देखेंगे। अब हम कुछ चर्चा करेंगे, आपसे प्रश्न पूछेंगे। जैंसी ने सोफी को क्या बताया था बताओ? जैंसी ने सोफी को क्या बताया था बताओ जल्दी से, क्या कहा? वेन ही सी केम टू नो, वह क्या कहा था जैंसी ने सोफी को, बाद में जब डे ड्रीम देख के सारा चीज कह दी तो क्या कहा था बताओ आप लोग, जल्दी बनाओ सभी लोग। हाँ जल्दी, फास्ट एवरीवन, क्या कहा था बताओ? जेंसी ने सोफी से क्या कहा था बताओ? जेंसी ने सोफी से क्या कहा था? क्या सजे, क्या कहा था बताओ जल्दी से? हाँ, उसने क्या कहा था जेंसी ने? जेंसी क्या है, कौन है? फ्रेंड है। जेंसी इज फ्रेंड ऑफ सोफी, सोफी की फ्रेंड कौन है? जेंसी। वो क्या कहा था? हाँ, वेरी गुड, बताओ जल्दी से, जेंसी ने सोफी को क्या कहा था बताओ जल्दी से? एवरीवन, लेट मी टेल फास्ट एवरीवन, यस, जेंसी ने सोफी से क्या कहा था बताओ आप सभी लोग? यस, डू फास्ट एवरीवन, जेंसी ने सोफी से क्या कहा था बताइए? उसने एडवाइस की थी टू, हाँ, क्या एडवाइस की थी बताओ जल्दी से? लेट ना करो, जल्दी जल्दी, छोटी क्लास, अच्छी क्लास होनी चाहिए, जिसमें जल्दी जल्दी रिप्लाई आए, जल्दी जल्दी हम लोग रिस्पॉन्स करें, ऐसी क्लास होनी चाहिए, ना कि ऐसे ही धीरे 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 रिप्लाई आए, ना? तो क्या कहा था बताओ आप लोग जल्दी? जैसी ने सोफी से क्या कहा था बताओ जल्दी से? हाँ, क्या कहा था? लेट मी टेल फास्ट एवरीवन, व्हाट,
जेंसी ने सोफी से क्या कहा था, है ना, क्या कहा था, हाँ, स्टॉप योर डे ड्रीमिंग, वेरी गुड, अदरवाइज यू वुड गो इनटू ट्रबल, वेरी गुड, ये कहा था कि तुम डे ड्रीमिंग बंद करो, टू बी सेंसिबल, लिखो टू बी सेंसिबल, लिखो टू बी सेंसिबल, हाँ, बिस्कुट फैक्ट्री नहीं, ये कहोगे, उसको उसे सजेशन दी थी, है ना, क्या बताया था, हाँ, ये तो क्या था, तुम रुत उसको कहा था कि तुम जो सलाह है टू बी सेंसिबल होने के लिए कही थी, टू बी सेंसिबल, लिखो टू बी सेंसिबल, कही कि थोड़ा दिमाग वाला काम किया करो, फर्जी काम मत किया करो, तो टू बी सेंसिबल होगा, टू बी सेंसिबल लिखो सभी लोग, टू बी सेंसिबल, यस, टू बी सेंसिबल, सेंसिबल की स्पेलिंग सही नहीं लिख रहे हो, सेंसवाल लिख रहे हो, सेंसिबल हम कह रहे हैं, टू बी सेंसिबल कही थी कि टू बी सेंसिबल हो जाओ, और प्रैक्टिकल होने के लिए कहा था, प्रैक्टिकल लिखो सभी लोग, हाँ, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए जीवन में, कुछ विचार होनी चाहिए प्रैक्टिकलिटी, अगर आपके अंदर प्रैक्टिकलिटी नहीं है तो क्या मतलब है ना, कोई भी चीज अगर प्रैक्टिकल है देन इट इज ओके, हम क्या है, प्रैक्टिकल नहीं है तो कोई मतलब नहीं, हमारे विचार आपको प्रैक्टिकल नहीं लगते हैं, इट डजेंट मैटर, हमने कहा देयर इज नो मिरेकल, मिरेकल लिखो सभी लोग, मिरेकल, चमत्कार को मिरेकल कहा जाता है, मिरेकल लिखिए, कोई दुनिया में मिरेकल है नहीं, हमेशा याद रखना कुछ कुछ भी घटित होता है वो हमारे रीजन का परिणाम होता है, वो कहीं ना कहीं, तो प्रैक्टिकल बनने के लिए बोला था कि प्रैक्टिकल हो जाओ, ठीक है, कोई चीज क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, कहा था कि टू बी सेंसिबल, तुम टू बी सेंसिबल बनो, ठीक है, सेंसिबल बनो और प्रैक्टिकल बनो, ताकि ये, हाँ, और डे ड्रीमिंग करना स्टॉप कर दो, हाँ, स्टॉप डे ड्रीमिंग लिखो, स्टॉप डे ड्रीमिंग, स्टॉप डे ड्रीमिंग लिखो जल्दी से, हाँ, स्टॉप डे ड्रीमिंग, स्टॉप डे ड्रीमिंग, ठीक है, स्टॉप डे ड्रीमिंग बताओ, स्टॉप डे ड्रीमिंग बताओ सभी लोग, स्टॉप डे ड्रीमिंग, है ना, स्टॉप डे ड्रीमिंग, हाँ, स्टॉप डे ड्रीमिंग, ठीक है, हाँ, स्टॉप डे ड्रीमिंग, हाँ, डे ड्रीमिंग होगा, स्टॉप के साथ हमेशा क्या होता है, जीरंड होता है, लिखो, स्टॉप के बाद जीरंड होता है, लिखो सभी लोग, स्टॉप जीरंड, स्टॉप के पास प्लस जीरंड लिखो तो स्टॉप डे ड्रीमिंग होगा, फिर से लिखो तुम, आप लोग फिर से लिखो, स्टॉप के बाद जीरंड आता है, इसलिए याद रखो, केवल अभी देखो वो सही लिखा था, क्या नाम है, इंटरफेरेंस ने कितना अच्छा लिखा था, स्टाफ के साथ डे ड्रीमिंग होगा, थैंक यू वेरी मच, शेयर कर दो सभी लोग ताकि लोगों को पता चले, जानकारी हो जाए, स्टाफ डे ड्रीमिंग लिखो, स्टाफ डे ड्रीमिंग, तो स्टाफ के पास प्लस जीरंड होता है, और जीरंड का मतलब होता है ING, स्टाफ के डे ड्रीमिंग, डे ड्रीमर हो गया तो गलत हो गया, स्टॉप डे ड्रीमिंग, ठीक है, हाँ, अब लिखो स्टाफ डिस्कसिंग, लिखो स्टॉप डिस्कसिंग, लिखो जल्दी से स्टॉप डिस्कसिंग, अब ये चीजें मैं, ये आपको हमेशा ध्यान देना होगा, कहीं भी जाओगे स्टॉप टू डे ड्रीम नहीं होगा, स्टॉप डे ड्रीमिंग, स्टॉप डिस्कसिंग लिखो, हाँ, स्टॉप डिस्कसिंग, स्टॉप गोइंग, ये सब लिखो सभी लोग, है ना, लिखो स्टॉप, हाँ, स्टॉप डिस्कसिंग, स्टॉप गोइंग, ऐसे करके लिखो सभी लोग, लिखो, लेट एवरीवन डू फास्ट, एवरीवन, यस, जल्दी बनाओ, स्टॉप डिस, हाँ, स्टॉप के बाद जीरंड आएगा, इसलिए याद रखना स्टॉप के पास, तो कहा था कि जो है तुम रुक जाओ, ये डे ड्रीमिंग जो तुम्हारी है ये तुम्हारी खराब आदत है, ऐसा करने से तुम ट्रबल में पड़ जाओगी, परेशानी में पड़ पाओगी, ठीक है, स्टॉप डेट में, अदरवाइज यू विल गेट इन ट्रबल, तुम मुसीबत में पड़ जाओगी, परेशानी में पड़ जाओगी, तो तीन चीजें हमने बताई, एक तो पहली सजेशन दी कि तुम प्रैक्टिकल बन जाओ, जो काम हो उसी को कहो, दूसरी सलाह दी थी कि टू बी सेंसिबल होने के लिए थोड़ा सेंसिबल हो जाओ, तीसरी सलाह दी थी, अब बताओ, जैसे उन्होंने कहा तुम बिस्कुट की फैक्ट्री में काम करती हो, वो बिस्कुट के फैक्ट्री का मतलब प्रैक्टिकल में आ गया कि जो बिस्कुट की फैक्ट्री में काम करती है और वो कैसे कब चीज काम कर लेगी, इसलिए ऐसी सलाह वहां पे दी जाती है, ठीक है, हाँ, तो बताओ सोफी के बड़े भाई का क्या नाम था, बताओ जल्दी से, व्हाट वाज द नेम ऑफ सोफीज एल्डर ब्रदर, लिखो जल्दी से, एल्डर ब्रदर का भाई क्या था, बताओ, हाँ, एल्डर ब्रदर के भाई का क्या नाम था, सोफी के बड़े भाई का क्या नाम था, जॉब था, वेरी गुड, तो सोफी के बड़े भाई का नाम जॉब था, और जॉब के बारे में कुछ लिखो, जॉब के बारे में तीन एडजेक्टिव लिखो, एडजेक्टिव तीन के बारे में, जॉब के बारे में एडजेक्टिव लिखो जल्दी से, व्हाट इज द एडजेक्टिव ऑफ जॉब, जॉब के बारे में कुछ बातें लिखिए सभी लोग, जल्दी जल्दी बताओ, देखे मैं क्या सोच सोच के लिख रहे हो, जल्दी जल्दी करो आप सभी लोग, जॉब के बारे में कुछ बातें लिखिए, पहली बात तो वो रिजर्व पर्सन था, ही स्पीक्स लेस, बहुत कम बोलता है, ठीक है, ऐसे करके बनाओ, हाँ, जल्दी जल्दी बताओ, जॉब के बारे में क्या क्या आप जानते हो, सभी लोग दो, सभी लोग सबका सुनो, देखो कि क्या क्या रिप्लाई आ रहा है, व्हाट इज, ठीक है, व्हाट रिप्लाई वी आर गेटिंग, यस, बताओ, हाँ, तो क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से, उसके बारे में एडजेक्टिव बताओ, इसके बारे में कुछ चीजें बताओ जल्दी से, हाँ,
यस डू फास्ट एवरीवन, बहुत जल्दी करो जल्दी करो। क्या क्या होता था उसके बारे में, जोफ के बारे में, व्हाट डू यू नो, क्या आप जानते हो? हाँ, क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से आप लोग। हाँ, साइलेंट रहता था, सीरियस रहता था, रिस्पॉन्सिबल था, और बताओ क्या हो सकता है। साइलेंट, यस, बहुत कम बोलता था, एकदम शांत रहता था और हमेशा सीरियस रहता था, और वो हमेशा, और क्या हो सकता है बताओ। हाँ, चैप्टर का नाम है गोइंग प्लेसेस, एयर बार्टन जी लिखे हैं, इससे संबंधित ग्रामर और लिटरेचर से संबंधित चर्चा हो रही है। हाँ, बहुत कम बोलता था, और क्या हो सकता है जॉब के बारे में, आप लोग बताइए। हाँ बताइए जल्दी से, हाँ बताओ। हाँ वेरी गुड, अब बताओ, अच्छा जल्दी से, अब अगला बनाओ आप लोग, जल्दी जल्दी बनाओ। हाँ, सोफी का परिवार कौन सी गेम पसंद करता था, उस खेल का नाम बताओ जो सोफी का परिवार पसंद करता था। हाँ वेरी गुड, कौन से खेल को पसंद करते थे वो, विच गेम डू दे लाइक, कौन सा गेम पसंद करते थे। ओके वेरी गुड, फुटबॉल, याद रखना फुटबॉल पसंद करते थे, है ना। और किसके फुटबॉल का प्लेयर का क्या नाम था जिसके बारे में वो हमेशा डे ड्रीम करती है, देखती है, बताओ जल्दी से, उस प्लेयर का क्या नाम था बताइए जल्दी से। हाँ, उसके गेम का क्या नाम था, हाँ, उसके क्या नाम था प्लेयर का। साइलेंट, मोटर मैकेनिक था, वेरी गुड, यही मैं चाह रहा था, मोटर मैकेनिक, वो मोटर मैकेनिक था और दूर जाता था शहर में सीखने के लिए, शहर में दूर जाता था सीखने के लिए, इसलिए जो है उसको, हाँ फुटबॉल खेलता था, क्या नाम था फुटबॉल प्लेयर का जिसके बारे में वो हमेशा डे ड्रीम करती थी। हाँ, फुटबॉल प्लेयर का नाम बताइए आप लोग। हाँ, अप्रेंटिस मैकेनिक था, ठीक है। हाँ, फुटबॉल प्लेयर का क्या नाम था, डैनी कैसी था, वेरी गुड इंटरफेरेंस, ऐसे ही बेटा खूब अच्छे से लिखना, परीक्षा में बीच बीच में गैप और अच्छी राइटिंग में लिखना, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अगला लिखना, हाँ सोफी के दोस्त का क्या नाम था, जानसी था, ठीक है, अगला बनाना आप लोग। हाँ अगला आप लोग ध्यान से देखो, आप कुछ मीनिंग जो है हम आपको बताना पड़ेगा क्या उसका मतलब होता है, इसलिए ठीक है। हाँ, आपको उसको बताना पड़ेगा, हाँ कुछ शॉर्ट फॉर्म रहेगा, कुछ मीनिंग रहेगा, उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा जो सबके लिए है, ठीक है। एक वर्ड आता है, हाँ एक गाउकी आया है, गाउकी का मतलब क्या होता है, एक गाउकी वर्ड आया था उसका मतलब क्या होता है, गाउकी लिखो सभी लोग, गाउकी का मतलब क्या होता है, गाउकी, हाँ गाउकी लिखिए सभी लोग, एक ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन है, अब पढ़ लोगे, गाउकी एक शब्द है उसका मतलब क्या होता है बताओ, गाउकी, गाउकी, GAW, GAW लिखो, GAWKY, इसका मतलब क्या होता है, गाउकी मतलब, जल्दी लिखो गाउकी का मतलब क्या हो जाएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गाउकी, गाउकी का मतलब क्या होता है, यस डू फास्ट एवरीवन, गाउकी का मतलब क्या हो जाएगा। हाँ गाउकी का मतलब क्या हो जाएगा, गाउकी लिखिए सभी लोग, गाउकी, हाँ इसका मतलब क्या होगा, एक वर्ड आया है और ये किसके लिए आया है ये बनाइए, गाउकी का मीनिंग क्या होता है। हाँ बताओ जल्दी से, गाउकी के मीन्स क्या होता है। हाँ बहरम, गुड इवनिंग बहरम, कोई बात नहीं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, आगे बनाओ गाउकी, गाउकी बताओ जल्दी से। हाँ बहरम, गाउकी का मतलब क्या होता है बेटा, बहरम जल्दी क्लियर कर दो बेटा। हाँ बहरम जल्दी बताओ गाउकी का मतलब क्या होता है बेटा। हाँ अब देखो सभी लोग जुड़े हैं, नहीं बता पाए, तुम बताओ जल्दी से, जल्दी करो बहरम। हाँ गाउकी का मतलब क्या होता है बताओ जल्दी से, नहीं बता पा रहे बैरम, अच्छा नहीं लग रहा है, जल्दी बनाओ इसका, गाउकी, गाउकी का मतलब क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गाउकी, गाउकी का मतलब क्या होता है। बताओ जल्दी से। हाँ एक्चुअली मीन्स अकवार्ड, क्लमजी, देखो कितना अच्छा बता दिया, तुरंत बता देता है, ठीक है, बैरन तो बहुत अच्छा काम करते हैं। गाउकी मतलब होता है एक्चुअली मीन्स अक्वार्ड या क्लमजी, लिखिए अक्वार्ड या क्लमजी, केवल इतना बताया करो, गाउकी का मतलब होता है अक्वार्ड या क्लमजी, लिखो सभी लोग, गाउकी का मतलब होता है अक्वार्ड या क्लमजी, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप इन रेफरिंग टू समवन्स मूवमेंट और बिहेवियर, लिखो यस, तो क्लमजी लिखो, अक्वार्ड लिखो, अक्वार्ड लिखो, अक्वार्ड, अक्वार्ड लिखो और क्लमजी लिखो, बस इतना ही लिखो। हाँ अकवर्ड और क्लमजी लिखो, अकवर्ड और क्लमजी लिखो सभी लोग, हाँ अकवर्ड और क्लमजी लिखो, हाँ अकवर्ड और क्लमजी लिखो,
अक्वर्ड, AWK अक्वर्ड, और आर क्लमजी, CLUMSY, ये होता गाउकी का मतलब, एक वर्ड आया है। अब आज जाके उस वर्ड के बारे में और जानकारी लेना, ठीक है? हाँ, बेरम इंटरफ्रेंस के चक्कर में ना रहो, अपने चक्कर में रहो, ठीक है बेटा? हाँ, एक वर्ड आया है, हाँ, चफ्ड। चफ्ड आया है, इसका मतलब क्या हो गया? चफ्ड, CHUFFED, लिखो, CHUFFED, चफ्ड का मतलब क्या होता है? ठीक है, लिखो सभी लोग, यस, CHUFFED, चफ्ड का मतलब क्या होता है? CHUFFED, लिखो जल्दी से, CHUFFED, लिखो सभी लोग, चफ्ड मतलब क्या होता है? CHUFFED, इसका मतलब क्या होता है, बताओ जल्दी से। हाँ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जल्दी बनाओ एवरीवन प्लीज। हाँ, वेरी हैप्पी, चफ्ड का मतलब होता है वेरी हैप्पी, लिखो सभी लोग, वेरी हैप्पी। देखो इन्होंने बना दिया, दीपांजलि ने, तो चफ्ड का मतलब होता है वेरी हैप्पी, विच इज वेरी, ठीक है, वेरी प्लीजेंट, बहुत खुशी को बोलते हैं चफ्ड, CHUFFED। एक नई मीनिंग मिली ना आप लोगों को चफ्ड मतलब इन इंग्लिश। हाँ, स्लैंग मीन्स प्लीज्ड आर वेरी हैप्पी अबाउट समथिंग, बहुत अच्छा, ये तो पूरा एक्सप्लेन करते हैं बहरम, आप बिना एक्सप्लेन किए कुछ नहीं बताते हैं, आप इतना तेज हैं। हाँ, तो क्या हो जाएगा, चफ्ड मतलब वेरी हैप्पी, ठीक है? हाँ, अति प्रसन्न, जब बहुत आदमी कोई खुश होता है तो उसको बोलते हैं चफ्ड, है ना? आप लोग चफ्ड लिखो, आई एम चफ्ड, आई एम चफ्ड, लिखो सभी लोग, आई एम चफ्ड, CHUFFED, लिखो, आई एम चफ्ड, तो क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, आई एम चफ्ड, बताओ जल्दी से, लिखो सभी लोग, आई एम चफ्ड। हाँ, आई एम, हाँ, वेरी प्लीज, बहुत खुश, आई एम चफ्ड लिखिए, आई एम चफ्ड, ठीक है? हाँ, आई एम चफ्ड लिख लिए सभी लोग ना, तो इसका मतलब होता है वेरी हैप्पी। तो अब बताओ चफ्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच बना यहाँ पे, विच पार्ट ऑफ स्पीच, यहाँ चफ्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, जल्दी लिखिए, यहाँ चफ्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, बनाओ सभी लोग, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, बनाओ जल्दी से। हाँ, तो ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हुआ यहाँ पे चफ्ड, जल्दी बनाओ, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हुआ, यस, लेट मी टेल एवरीवन फास्ट, एडजेक्टिव हुआ, अमित सिंह ने देखो तुरंत बता दिया, ऐसे ही पढ़िए अमित सिंह की तरह, है 11 में लेकिन देखो 12 से पहले बता दिए, तो ये आप लोग को ऐसे करना पड़ेगा, आई एम एब्सोल्युटली चफ्ड विथ माई एग्जाम रिजल्ट, वेरी गुड। तो आपके रिजल्ट जो हो जाते हैं, आप रिजल्ट से खुश हैं, आप अपने कर्मों से खुश होते हैं, सभी लोग यहाँ पे खुश होने के लिए ही दुनिया में आए हैं, आप खुश हैं, सभी लोग खुश, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, आगे लिखो, चफ्ड लिख दो सभी लोग, CHUFFED। अब चफ्ड की मीनिंग वेरी प्लीज, वेरी हैप्पी, और क्या हो सकता है बताओ, और अधिक खुशी को क्या कहते हैं, ओवर जॉयड भी हो सकता है ना, प्रफुल्लित, ओवर जॉयड लिखिए। हाँ, ओवर जॉयड मतलब होता है अत्यधिक खुशी को बोलते हैं, लिखो ओवर जॉयड। हाँ, तो क्या हो जाएगा, आई एम ओवर जॉयड, तो ओवर जॉयड लिखो, ओवर जॉयड, अत्यधिक खुश को चफ्ड बोलते हैं, ठीक है? हाँ, समझ में आ गया कि नहीं? हाँ, अगला बनाओ ओवर जॉयड, एक साथ हमारे ख्याल से लगता है, लेकिन आप दो साथ लगा दी तो हम क्या करें अब आपके ऊपर, सौम्या आपका मन था लगा दी, ठीक है? हाँ, अगला आप लोग बनाना बक, बक शब्द का मतलब क्या होता है, BUCK, बताओ, BUCK, चैप्टर में एक शब्द आया है बक, बक का मतलब क्या होता है, बक, BUCK, बक मतलब क्या होता है, जल्दी बनाओ आप लोग, बक, BUCK, BUCK, हाँ, BUCK लिखो, BUCK, बक का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बक, बक का मतलब क्या होता है, जल्दी बनाइए, बक का मतलब क्या हो जाएगा, हाँ बताइए, बक का मतलब क्या हो जाएगा, यस, डू फास्ट एवरीवन, हाँ, बताओ जल्दी से, हाँ, क्या हो जाएगा, एवरीवन, लेट मी फास्ट एवरीवन, हाँ, बक का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बक का मतलब क्या हो जाएगा, यस, डू फास्ट एवरीवन, बक का मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए आप लोग, हाँ, बक का मतलब क्या होता है, यस, डू फास्ट एवरी वन, नो सॉरी, वी आर लर्निंग हेयर, यू आर लर्निंग, आई एम लर्निंग, वी ऑल आर लर्निंग हेयर, सो मिस्टेक्स आर जनरल हेयर, बताओ जल्दी से, बक का मतलब क्या हो जाता है, बक का एक डॉलर को बोलते हैं, डॉलर को लिखो, अ डॉलर, अ डॉलर लिखो, एक प्रकार से डॉलर होता है, हाँ, अ डॉलर लिखो जल्दी से, डॉलर, डॉलर, DOLLAR, हाँ, डॉलर लिखो, DOLLAR, DOLLAR लिखो सभी लोग, अ डॉलर, आ डॉलर लिखिए, आ डॉलर, DOLLAR लिखो, आ डॉलर, जल्दी लिखो, और
और डॉलर लिखो, ए डी ए लिखो, फिर डॉलर लिखो, DOLLAR। हाँ 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 आगे चलिए, दूसरी बात ठीक है। हाँ अगला ध्यान देना आप लोग, स्पॉयल स्पोर्ट लिखो, स्पॉयल स्पोर्ट, स्पॉयल स्पोर्ट लिखो अगला वर्ड, स्पॉयल स्पोर्ट। अब इसको जाके पढ़ोगे देखोगे, मैं इसलिए बता रहा हूँ, स्पॉयल स्पोर्ट लिखो सभी लोग। हाँ स्पॉयल स्पोर्ट का मतलब क्या होता है, मुहावरा है स्पॉयल स्पोर्ट ठीक है। हाँ हाँ हर हर महादेव, जल्दी स्पॉयल स्पोर्ट लिखो, SPOIL स्पॉयल स्पोर्ट। अपने यहाँ सभी लोग शेयर कर दो, सभी बच्चे जान जाए कि क्लास चल रही है 6:30 बजे। हाँ आज के लिए स्पॉयल स्पोर्ट लिखो जल्दी से, नहीं तो जानकारी उन्हें नहीं है किसी के पास। स्पॉयल स्पोर्ट लिखो, इसका मतलब क्या होता है, स्पॉयल स्पोर्ट, स्पोर्ट माने गेम वाला, स्पोर्ट एक साथ लिखो, स्पॉयल स्पोर्ट इसमें आया हुआ, इसका मतलब क्या है। हाँ आप लोग पढ़ के आए हो इसलिए आपको तुरंत बताना चाहिए, स्पॉयल स्पोर्ट, एग्जाम भी करीब है, स्पॉयल स्पोर्ट का मतलब क्या हो जाएगा। हाँ बताइए जल्दी से, हाँ स्पॉयल स्पोर्ट लिखिए जल्दी से, स्पॉयल स्पोर्ट, SPOIL स्पोर्ट, स्पॉयल स्पोर्ट का मतलब क्या होता है बताओ जल्दी से, इसका मतलब क्या हो जाता है, जल्दी बनाओ। इसका एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है तो ग्रामर के लिए आज से भी जरूरी है इस चैप्टर के, हाँ सेंट हो सकता है। चलो स्पॉयल स्पोर्ट का मतलब क्या हो जाता है, वेरी गुड इंट्रूजन। और बताओ दूसरे लोग, स्पॉयल पर्सन मतलब क्या हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा, स्पॉयल स्पोर्ट मतलब क्या हो जाता है बताओ जल्दी से, स्पॉयल स्पोर्ट का मतलब क्या हो जाएगा। यस डू फास्ट एवरीवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉयल स्पोर्ट, इसका मतलब क्या हो जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखो, अ पर्सन हु स्पॉयल्स द प्लीजर ऑफ अदर पीपल लिखो, हाँ अ पर्सन हु स्पॉयल्स द प्लीजर ऑफ अदर पीपल। दो बच्चे बात करते रहते हैं और आप उनके बीच में जाके टोक दीजिए तो उनका आनंद खत्म हो गया ना, तो ऐसे में जो किसी की खुशियां मिल रही हैं वो भले ही थोड़ी मोड़ी उस तरीके से हो, आप उनमें जाके टोकेंगे रोकेंगे तो उसे कहते हैं स्पॉयल स्पोर्ट। तो लिखो अ पर्सन हु स्पॉयल्स, अ पर्सन हु स्पॉयल्स द प्लीजर ऑफ अदर पीपल, अ पर्सन हु स्पॉयल्स द प्लीजर ऑफ अदर पीपल लिखो, अ पर्सन हु स्पॉयल्स द, हाँ कबाब में हड्डी, ये बात सही कह रहे हो, कबाब में हड्डी हो सकता है, ये सही बना दिया, हमसे भी तेज है देखो हो गया है, कबाब में हड्डी ये हो सकता है। दो लोगों के बीच में आनंद चल रहा है, दो लोग आपस में बच्चे बात कर रहे हैं, मान लो कोई भी चीज का आनंद ले रहे हैं, बीच में आप जाके टपक पड़े, तो जब आप जाके टपक पड़ोगे बीच में तो उसे कहते हैं कबाब में हड्डी। तो स्पॉयल स्पोर्ट्स एक बार फिर से लिखिए, हाँ एक बार फिर से स्पॉयल स्पोर्ट बने होता है कबाब में हड्डी, लिखो स्पॉयल स्पोर्ट्स, उसके सामने लिखिए कबाब में हड्डी, हाँ स्पॉयल लिखो फिर स्पोर्ट्स लिखो फिर लिखो सामने कबाब में हड्डी, हाँ स्पॉयल स्पोर्ट लिखे सभी लोग, स्पॉयल स्पोर्ट्स, हाँ स्पॉयल स्पोर्ट, SPOIL स्पोर्ट्स, SPORTS स्पोर्ट्स, स्पॉयल स्पोर्ट्स का मतलब होता है एक वर्ड सीखो लेकिन हमेशा के लिए जन्म जन्मांतर के लिए सीख लो। हाँ लिखो स्पॉयल स्पोर्ट के सामने कबाब में हड्डी, हाँ स्पॉयल स्पोर्ट्स का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे लोगों के बीच में जाके पढ़ के उनकी खुशी आनंद कर देता है ठीक है। अ पर्सन हु स्पॉयल्स द प्लीजर प्लेजर ऑफ अदर पीपल, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति के आनंद को फिनिश कर देता है, खत्म कर देता है बीच में। इंट्रूजन, अब लिखो इंट्रूजन, इंट्रूजन लिखो इंट्रूजन, IN, हाँ नमस्ते नमस्ते, इंट्रूजन लिखिए, INTRUSION इंट्रूजन लिखो सभी लोग, इंट्रूजन, INTRUSION वर्ड मीनिंग जरूरी है, सबसे ज्यादा अंग्रेजी में वर्ड मीनिंग जरूरी, इंट्रूजन लिखो जल्दी से, इंट्रूजन, हाँ इंट्रूजन, हाँ इंट्रूजन, हाँ एक आज मीनिंग छाया ने कमेंट किया था उसको भी लिख दिया, ट्रिवियल, ट्रिवियल लिखे सभी लोग, ट्रिवियल, ट्रिवियल लिखे TRIVIAL, ट्रिवियल लिखे सभी लोग, ट्रिवियल, TRIVIAL ये लिख दो हमारे बच्चों सभी लोग, ट्रिवियल लिखो है ना, ट्रिवियल, ट्रिवियल का मतलब लिखो TRIVIAL, ट्रिवियल लिखे TRIVIAL, ट्रिवियल लिखे सभी लोग, ट्रिवियल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज आप बहुत करिश्मा चौहान राजपूत, आज बहुत दिन बाद आप ज्वाइन कर रही हैं, तो ट्रिवियल का मतलब होता है करिश्मा चौहान, आप बताइए, आप कुछ करिश्मा करके दिखाइए इसमें ट्रिवियल का मीनिंग बता के तुरंत, तो हाँ जल्दी से बताइए, हम लोग आपकी वेट की। ट्रिवियल का मतलब होता है नेचुरल स्पॉन्टेनियस ऑब्वियस, नो नो, ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ ठीक है, हाँ बहुत ही लोल, ट्रिवियल का मतलब होता है छोटी सी,
स्मॉल ट्रिवियल माने पेट्टी, लिखो PETTY, लिखो पेट्टी मतलब तुच्छ होता है, ट्रिवियल माने तुच्छ, ठीक है, हाँ तुच्छ छोटी सी, ठीक है। हाँ सर मैं भी बहुत दिन बाद आया हूँ, ठीक है, वेरी गुड। हाँ आप तो कल्लू हमारे क्षेत्र के हैं, ठीक है। हाँ तो हम लोग अपने क्षेत्र का नाम ऊंचा कर रहे हैं कि नहीं? हाँ ठीक है, जल्दी से बताइए, आप लोगों को समझ में आ गया? हाँ हार्ड बॉयल्ड मतलब क्या होता है? हार्ड बॉयल्ड एक वर्ड है, हार्ड बॉयल्ड उसका मतलब क्या होता है? हार्ड बॉयल्ड, हाँ मामूली सी चीज। देखो ये बता दिया ट्रिवियल ना, ट्रिवियल का मतलब होता है मामूली, मामूली सी चीज, बहुत बड़ी चीज नहीं, ट्रिवियल का मतलब मामूली सी। वेरी गुड, मुझसे भी अच्छा बता दे रहा है प्रभाकर। आज क्या बात है प्रभाकर, तुम बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो। हाँ, लिखो ट्रिवियल लिखो। हाँ क्या मैं कह रहा था? हाँ आई इन मैथमेटिक्स आई हैव रेड दैट ट्रिवियल मीन्स नेचुरल। नो नो नो, मामूली सी चीज लिखो, मामूली सी चीज, बात मेरी मान जाओ, यहाँ पे लिख दो ट्रिवियल का मतलब होता है मामूली सी चीज, नहीं होगा, लिखो। अच्छा बताओ अगला, हार्ड बॉयल्ड लिखो, हार्ड बॉयल्ड, हार्ड बॉयल्ड लिखिए, हार्ड बॉयल्ड, HARD, हार्ड बॉयल्ड, बॉयल्ड BOILED, ठीक है, हार्ड बॉयल। हाँ जल्दी लिखिए, पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे उबल जाता है बताओ? पानी जो वाटर होता है कितना डिग्री सेल्सियस के तापमान पे? सॉरी सर मैं भी आपके ही रिलेशन में हूँ। ओके अच्छा, हाँ आप हमारे रिलेशन में, तो बहुत बहुत शुक्रिया है ना। हाँ करिश्मा, पर हम जानते नहीं हैं कभी, तो वेरी गुड, देखो सब बता दिए, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल जाता कितना, सब लोग तेज हो बताओ, तुम लोग तो 100 डिग्री सेल्सियस पे। हाँ वेरी गुड, तो हार्ड बॉइल्ड लिख दीजिए, अगर बॉइल्ड के साथ हार्ड जुड़ जाए तो उसका मतलब क्या होगा बताओ? हार्ड बॉइल्ड लिखिए सभी लोग, हार्ड बॉइल्ड, हाँ लिखिए सभी लोग, हार्ड बॉइल्ड, HARD, हार्ड बॉइल्ड में BOILED, बॉइल्ड, हार्ड बॉइल्ड का मतलब क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से? हाँ हार्ड बॉइल्ड क्या हो जाएगा? हाँ हार्ड बॉइल्ड लिखिए, इसका मतलब क्या हुआ था? हार्ड बॉइल्ड का मतलब क्या हो जाएगा? यस हार्ड बॉइल्ड लिखिए सभी लोग, यस। रक्षा केसरवानी बताओ हार्ड बॉइल्ड का मतलब क्या होता है बेटा, जल्दी बता दो। हाँ हार्ड बॉइल्ड का मतलब क्या हो जाएगा? हाँ, जो देखो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने की बूंदों से नहाता है वो क्या बदलता है? मुझे याद ही नहीं है। जो पानी से नहाता है, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो क्या बदलता है? इतिहास बदलता है ना। जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, लिबास माने कपड़े, ये कपड़ा बदलेगा ना कपड़े, पानी से जब नहाएगा तो कपड़ा बदलेगा, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। जो पानी से, अब आप लोगों को इतिहास बदलना है, आप लोग जा रहे हो परीक्षा देने और पूरी तरीके से 95% लाओ। सभी लोग लाइक जो है 11 लोग किए हैं, इन सभी को शुक्रिया, 11 लोगों की तमन्नाएं, हमारी दुआएं, हमारी इबादत, हमारी सब चीज शुक्रिया इन सभी बच्चों को, 11 लोगों को, इन लोगों ने मुझे प्यार दिया, मोहब्बत की, इन मोहब्बत के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया 11 लोगों, ठीक है। दे अब आगे देखो, हाँ जो नहीं नहाता है वो कुछ नहीं बदलता, वो जो है वो जो पसीने की बूंदों से नहाता है वो इतिहास बदल, हाँ जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, लिबास माने कपड़े, लिखो लिबास माने कपड़े। हाँ, जो नहीं नहाता है वो तो उसका बात ही छोड़ो, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। इसी बात पे हार्ड बॉइल्ड का बता दो, मैंने बता दिया, हार्ड बॉइल्ड लिखिए, HARD, हार्ड बॉयल्ड लिखिए जल्दी से, बॉयल्ड BOILED, हाँ बॉयल्ड, बॉयल्ड, हार्ड बॉयल्ड माने क्या हो जाएगा तब बताओ जल्दी से? हाँ, जल्दी से बताओ जल्दी से, हाँ हार्ड बॉयल्ड का मतलब क्या हो जाएगा जल्दी बताओ मेरे बच्चों, हार्ड बॉयल्ड का मतलब वो क्या हो जाएगा? हाँ, ये लिख दी स्माइल गर्ल, स्माइल नट गर्ल, चलो इसी बात पे मुस्कुरा दो स्माइल गर्ल, चलो स्माइल करो इसी बात पे, चलो हार्ड बॉइल्ड का मतलब बता दो, हार्ड बॉइल्ड का मतलब क्या होता है? हाँ हार्ड बॉइल्ड का मतलब क्या हो जाएगा? हार्ड वर्क, हार्ड बॉइल्ड माने हो गया हार्ड वर्क, यही तो मैं बार बार बताने की कोशिश करता हूँ। हाँ तो टफ लिखो, टफ, टफ की स्पेलिंग लिख दो, जो हार्ड वर्क का मतलब टफ भी होता है, ठीक है, इट इज टफ। हाँ जल्दी बताइए आप लोग, हाँ कि ना जल्दी बताइए, हाँ हार्ड इसमें आया था, हार्ड वर्ड का मतलब और क्या होता है? टफ की स्पेलिंग लिख के दिखाओ सभी लोग, टफ 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 हमने बोला, टफ जो हार्ड वर्ड का मतलब होता है टफ, टफ की स्पेलिंग लिखिए सभी लोग, यस डू फास्ट एवरीवन, हार्ड वर्ड मतलब होता है टफ, टफ की स्पेलिंग लिखिए सभी लोग। हाँ क्या होता है टफ का मतलब? टफ लिखिए, यस TOUGH,
टफ होता है, TOUGH, ये मीनिंग सभी लोग लिखो। अब देखो देखो ये गलत लिख दिया ना मिसिंग, TUFF फंस गए ना, ये देखो TUFF नहीं रहेगा, TOUGH ये रहेगा टफ, स्पेलिंग लिखो ठीक है। हाँ लिखो तू कह, नथिंग इज टफ लिखो, नथिंग इज टफ लिखो सभी लोग, कोई चीज टफ नहीं होती है, लिखो नथिंग इज टफ। हाँ नथिंग इज टफ लिखो सभी लोग, हाँ कोई चीज टफ नहीं होती है, एवरीथिंग इज इजी लिखो, नथिंग इज टफ एवरीथिंग इज इजी लिखो जल्दी से, नथिंग इज टफ एवरीथिंग इज इजी ठीक है। हाँ हाँ ओके ओके कर लो भैया, चलिए अच्छा। नथिंग इज टफ, कोई भी टफ नहीं होता है, एवरीथिंग इज वेरी इजी बहुत आसान होती है, कुछ भी टफ नहीं है दुनिया में, हर चीज आसान है, इसलिए याद रखा। और इसका माने हार्ड बॉइल्ड का माने रियलिस्टिक भी होता है, रियलिस्टिक लिखिए, रियलिस्टिक रियलिस्टिक लिखिए, रियलिस्टिक रियलिस्टिक मतलब क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, रियलिस्टिक का मतलब हो जाता है, इसका मतलब रियलिस्टिक भी होता है, सभी लोग लिखो रियलिस्टिक। हाँ सभी बच्चों लिखो रियलिस्टिक, RELISTIC रियलिस्टिक लिखिए सभी लोग, रियलिस्टिक। हाँ आज देखो नई क्लास है फिर भी 49 इतने लोग जुड़ गए, क्या बात है, रियलिस्टिक लिखो, रियलिस्टिक भी होता हार्ड वर्ड माने ठीक है, रियलिस्टिक याद रखना। रियलिस्टिक के और क्या कहते हैं बताओ, रियलिस्टिक का सिनोनिम बताओ सभी लोग, रियलिस्टिक का सिनोनिम बताओ। 12 लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, एक लोग और जुड़े मेरी लाइक लिस्ट में, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। चलो बताओ रियलिस्टिक, रियलिस्टिक का क्या बोलते हैं सिनोनिम, क्या हो जाएगा इसकी पर्यायवाची, जल्दी बनाओ सभी लोग, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ रियलिस्टिक वर्ड, रियलिस्टिक रियलिस्टिक का वर्ड का सिनोनिम क्या है, यस डू फास्ट एवरीवन, क्या हो जाता है रियलिस्टिक का सिनोनिम, रियलिस्टिक का सिनोनिम क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। हाँ, रियलिस्टिक का सिनोनिम क्या हो जाएगा ठीक है, हाँ बताओ जल्दी से, 1 घंटे बताते हो इतना देर में, इतना लोग जुड़े हो क्या कर रहे हो, रियलिस्टिक बताओ बेटा, रक्षा तुम ही बता दो, अब अगली बार तो तुम्हें इतिहास रचना है। एक्चुअल, रियलिस्टिक का मतलब होता ऑथेंटिक, लिखो ऑथेंटिक, AUTHEN ऑथेंटिक, लिटरल एक्चुअल रियल, तो रियलिस्टिक क्या है एडजेक्टिव है, और उसका क्या हो जाएगा ऑथेंटिक क्या है एडजेक्टिव है, लिखो जल्दी से। हाँ ऑथेंटिक लिखो, ए ऑथेंटिक स्पेलिंग लिख के दिखाओ मुझे तो सभी लोग, देखता हूँ कौन कौन सही लिखता है ऑथेंटिक स्पेलिंग, मैं चेक करूंगा कि ऑथेंटिक स्पेलिंग कितने लोग सही लिख रहे हैं, यस डू फास्ट एवरीवन, ऑथेंटिक स्पेलिंग इंटरफेरेंस ने पहले ही बार में सही लिख दिया, ऑथेंटिक ये स्पेलिंग सही लिखना सभी लोग है ना। ओरिजिनल लिखो, ओरिजिनल ORI ओरिजिनल भी होता है, तो ऑथेंटिक हो ओरिजिनल हो उसे कहते हैं रियलिस्टिक ठीक है। हाँ तो इस तरीके से आप लोग, हाँ ना। हाँ ड्रैगन मीन्स क्या होता है, ड्रैगन लिखो, ड्रैगन ड्रैगन DRAGON ड्रैगन एक शब्द आया उसका मतलब क्या होता है, ड्रैगन DRAGON ड्रैगन लिखो सभी लोग, यस डू राइट फास्ट एवरीवन, ड्रैगन ड्रैगन लिखो, DRAGON ड्रैगन भी वर्ड आया, इसका मतलब क्या है, तुम लोग पढ़ के नहीं आए हो नहीं तो आपका तुरंत टपक पड़ता है आंसर, ड्रैगन लिखो DRAGON, ड्रैगन का मतलब क्या है, आया था वहां पे बताओ, ड्रैगन मीन्स क्या होता है, DRAGON। हाँ संदर्भ को ये रख के लिखो, ड्रैगन इसका मतलब क्या होता है सौम्या, बताओ जल्दी से, हाँ हाँ बताओ जल्दी से, हाँ ड्रैगन मीन्स क्या होता है जल्दी बताओ जल्दी से, हाँ जल्दी बनाओ, यस टू फास्ट एवरीवन, ड्रैगन मीन्स क्या होता है, ड्रैगन मीन्स यस, ड्रैगन का मतलब क्या हो जाएगा, यस जल्दी बनाओ सभी लोग, ड्रैगन का मतलब ये क्या हो जाएगा, जल्दी बनाओ क्या हो जाएगा ड्रैगन का मतलब, हाँ ड्रैगन का मतलब क्या होता है, क्या लगाते हो आप लोग आइडिया, हाँ ड्रैगन का मतलब क्या होता है, ओरिजिनल तो हो गया, ड्रैगन का बताइए, ड्रैगन अब ड्रैगन चल रहा है, अब नंबर आ गया ड्रैगन का, हाँ ड्रैगन का मतलब एक अजगर होता है क्या, अजगर तो नहीं हमारे ख्याल से होता, होता होगा लेकिन यहाँ पे नहीं होगा अजगर, तो सही मीनिंग बताओ, ड्रैगन तो एक बार बताओ, हाँ पाइथन होता है अजगर का मतलब, PYTHO पाइथन लिखो, PYTHON, यहाँ ड्रैगन का मतलब क्या हो जाएगा, थोड़ा और सेंस में उत्तर दो, मैं कह रहा हूँ चैप्टर, हाँ जो सही सेंसिबल अर्थ हो वो देव अर्थ, पाइथन माने भी अजगर होता है, पाइथन माने अजगर। अगला लिखो आप लोग, इसका माने होता है ए फियर्स, फियर्स लिखो, FIERCE, हाँ एक फियर्स पर्सन को ड्रैगन बोला जाता, आ फियर्स, FIERCE लिखो जल्दी स्माइल गार्ड, हाँ FIERCE लिखो, स्पेलिंग लिखो जल्दी फियर्स, हाँ फियर्स तुम लोग डरने वाला नहीं, FIERCE ये वर्ड लिख लो सभी लोग, इसकी मीनिंग इसका माने क्या होता है, ए फियर्स पर्सन को लिखो, ए फियर्स पर्सन एक साथ लिखो, इसको ड्रैगन बोले गए हैं, अ फियर्स पर्सन,
आप फियर्स पर्सन लिखो सभी लोग, आप फियर्स पर्सन, आप फियर्स पर्सन लिखो सभी लोग, आप फियर्स पर्सन। हाँ फियर्स के आगे आ लगाओ, पीछे पर्सन लगाओ, आप फियर्स पर्सन। हाँ आप फियर्स पर्सन का मतलब हो जाएगा एक क्रूर व्यक्ति, एक क्रूर व्यक्ति को ड्रैगन बोला जाता है यहाँ पे बोला गया है ना। और यहाँ तो वीमेन के सेंस में आया है, इन रेफरेंस टू वीमेन, महिलाओं के सेंस में आया है, इसलिए ऐसे के कहते हैं ड्रैगन, ठीक है। हाँ तो ड्रैगन का मतलब याद रखना, ड्रैगन ड्रैगन ड्रैगन, ड्रैगन का मतलब क्या हो जाएगा, हाँ खूंखार व्यक्ति, वेरी गुड। ये देखो करिश्मा चौहान ने सही बनाया है, खूंखार व्यक्ति, इन्होंने सबसे अच्छा लिखो सभी लोग, खूंखार व्यक्ति, इसने शानदार मीनिंग बताई है, खूंखार व्यक्ति को ड्रैगन बोलते हैं, ठीक है। हाँ अब मैं एक मीनिंग दूंगा, आपको भर के दिखाना है कि उसके बीच में क्या भरा जाएगा, ठीक है। हाँ लिखो ही सैड, हाँ, जल्दी बनाओ जल्दी से, अच्छा एक वर्ड आया है आप लोग जल्दी से उसको बनाओ जल्दी से। हाँ स्पूप मतलब क्या होता है बताओ, स्पूप, स्पूप लिखो, यस पी डबल ओ एफ, स्पूप लिखो, यस लिखो फिर पी लिखो फिर डबल ओ लिखो फिर एफ लिखो, स्पूप, यस पी डबल ओ एफ लिखो सभी लोग, स्पूप, यस पी ओ एफ, इसका मतलब क्या है बताओ जल्दी से, स्पूप लिखो, यस पी ओ एफ, स्पूप लिखो सभी लोग, यस डू राइट एवरीवन, स्पूप का मतलब क्या होगा जल्दी बताओ सौम्या, क्या होगा बताओ बताओ जल्दी से, स्पूप का मीनिंग क्या हो जाएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पूप, स्पूप का मतलब क्या होता है, हाँ इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा बताओ जल्दी से सौम्या, इसका मतलब क्या होता है, हाँ बताओ जल्दी से, इसका सेनानिम बताना, स्पूप का मतलब सेनानिम क्या आया था, तुम लोग पढ़े हो फिर भी नहीं बता पाते, तुरंत तुरंत बताना चाहिए, स्पूप आया तो एक आध दो लोगों को डायरेक्ट वही टाइप कर देना चाहिए, स्पूप का मतलब क्या होता है बताओ जल्दी से। हाँ, स्पूप में मेकिंग ब्राइट, इस और बताओ जल्दी से, मेकिंग ब्राइट और बताओ सभी लोग, हाँ चकमा देना, चकमा देना और बताओ जल्दी से, इसका मतलब होता है यहाँ पे आएगा एक मोकरी होता है, एम ओ शायद लिखो मोकरी, एम ओ सी के, हाँ मोकरी, हाँ एम ओ सी के ई आर वाई है, एम ओ सी के ई आर वाई लिखो, एम ओ सी के ई आर वाई, एम ओ सी के ई आर वाई लिखो, एम ओ सी के ई आर वाई लिखो, एम ओ सी के ई आर वाई लिखो, मोकरी, एम ओ सी के ई आर वाई, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ। और मोकरी का मतलब होता है लाफ एट, लिखो लाफ एट, किसी पर हंसना या किसी का मजाक बनाने को बोलते हैं, थैंक यू वेरी मच, 14 लोगों ने लाइक किया, बहुत बहुत शुक्रिया, लाफ एट लिखो सभी, लाफ एट, लाफ माने हंसना और एट माने उसके साथ जोड़ना, लाफ एट का मतलब होता है किसी का उपहास करना, तो लाफ एट, मोकरी मतलब होता है लाफ एट, ठीक है। और ये मोकरी कैसी होगी, माइल्ड होगी, माइल्ड लिखो, एम आई एल डी, माइल्ड मतलब होता है एम आई एल डी लिखो, एम आई एल डी, माइल्ड मोकरी मतलब, हाँ वेरी गुड, हाँ बेटा यही, किसी पर हंसना, अब माइल्ड लिखे एम आई एल डी, सभी लोग शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास, अधिक से अधिक शेयर कर दो, 1 मिनट रोक के सभी लोग, ताकि ज्वाइन ज्वाइन हो जाए, आज टाइम चेंज है, तो माइल्ड मोकरी लिखो, एक साथ लिखो माइल्ड मोकरी, माइल्ड के साथ मोकरी जोड़ो, माइल्ड के मोकरी, किसी के बाद में हंसना नहीं उपहास उड़ाना मजाक उड़ाना हो जाता है इसका मतलब, तो माइल्ड मोकरी मतलब कभी कभी लोग थोड़ी थोड़ी बातों में उपहास उड़ाते हैं उसे कहते हैं, हाँ। और ये मोकरी क्या होता है, ये मोकरी हंसी जाती है, हंसना नहीं होता, सैटारिकल होती है, लिखो सैटारिकल, व्यंग होती है, सैटायर लिखो सैटायर, हाँ यस ए टी आई आर ई, यस ए टी आई आर ई लिखो, यस ए टी आई आर ई, सटायर, यस ए टी आई आर ई लिखो, सटायर, यस ए टी आई आर ई, हाँ सटायर लिखो, यस ए टी आई आर ई, सटायर, यस थैंक यू, शेयर करो जल्दी जल्दी, 38 लोग जुड़ गए, बहुत बहुत धन्यवाद, सटायर लिखो जल्दी से, यस ए टी आई आर ई लिखो, सटायर, सटायरिकल, अब इसी से सटायर से सटायरिकल बनता, लिखो सभी लोग, इसी से सटायरिकल बनाओ सभी लोग, हाँ सटैरिकल, इसी से शब्द से उसका सटैरिकल बन जाता है, सटायर नाउन है, सटैरिकल एडजेक्टिव हो जाएगा, लिखो सटैरिकल, हाँ सटैरिकल लिखो सभी लोग, एडजेक्टिव बनाओ उसका सटैरिकल, यस ए टी आई आर आई सी ए एल, सटैरिकल, तो एडजेक्टिव, सटायर माने होता व्यंग, लिखो सभी लोग व्यंग, तो एक हंसना ऐसा होता है जिसमें व्यंग छिपा हो, एक किसी का मजाक उड़ाने में व्यंग छिपा होता है, मजाक तो एक सही बात है, लेकिन उसमें आप व्यंग करके किसी का मजाक उड़ाओ, किसी की खिंचाई करोगे तो क्या हो जाएगा इसका, एक मैंने बताया था, हाँ इसका मैंने एक ये बताया था, फ्रेज बताया था, क्या फ्रेज बताया था बताओ जल्दी से,
किसी की खिंचाई करने को क्या बोलते हैं, एक फ्रेज मैंने बताया था एक दिन इसी पे, किसी की खिंचाई करना, किसी का मजाक उड़ाने को क्या बोलते हैं, फ्रेज बताओ सभी लोग क्या बोलेंगे, किसी की खिंचाई करना, किसी का मजाक उड़ाने को क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ सभी लोग, यस डू फास्ट एवरीवन, जल्दी बताओ, किसी का मजाक उड़ाना, किसी की खिंचाई करने को क्या बोलेंगे, पुल अप, यस, ये देखो याद हो गया, पुल अप, ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। हाँ तो एक साथ लिखो आप पुल अप। हाँ अब देखो, पुल अप माने होता लाफेट, अभी बताया हूं, स्पूफ होता है, मॉकरी होता है, पैरोडी भी होता है, पैरोडी भी लिखो, PARODY, उतना सटीक नहीं है लेकिन पैरोडी नहीं लिखोगे तब भी कोई बात नहीं है ना। हाँ हाँ ठीक है। हाँ तो पैरोडी उतना सटीक नहीं है जितना होना चाहिए। इसमें एक वर्ड आया है सफोकेट, सफोकेट मीन्स क्या होता बताओ, यस यू सफोकेट, जब आपने देखा होगा एक बार धुआं किया गया, बहुत तेजी से धुआं हो गया था, तो उसी पर सफोकेट मतलब क्या होता, लिखो सफोकेट। हाँ हाँ लिखो सफोकेट, यस यू एफ एफ ओ सी ए टी ई डी, सफोकेट लिखो सभी लोग, यस यू एफ एफ ओ सी ए टी ई, सफोकेट लिखो, यस यू, हाँ सफोकेट लिखो सभी लोग, सफोकेट, हाँ सफोकेट, यस यू एफ एफ ओ सी ए टी ई, सफोकेट लिखो, सफोकेट लिखे सभी लोग, सफोकेट, यस यू एफ एफ ओ टी, समोकेट लिख रहे हैं, सफोकेट हम बोले समोकेट, हाँ सफोकेट हम बोले समोकेट लिख रहे हैं, गुस्सा लगता है, हम सफोकेट बोल रहे हैं समोकेट बोल रहे हैं। हाँ तो सफोकेट माने क्या होता है बताओ जल्दी से, सफोकेट मतलब क्या होता है, सफोकेट, सफोकेट, यस यू एफ एफ, हाँ अंग्रेजी में बताओ सफोकेशन, हाँ सफोकेट से बना है सफोकेशन, क्या मतलब हो जाता है सफोकेशन का बेटा, सफोकेट की स्पेलिंग ई रहेगा लास्ट में महिमा, हाँ ई जोड़ दो, हाँ सफोकेट का मतलब क्या हो जाएगा, हाँ मेक फन ऑफ, सफोकेट मीन्स क्या होता है बताओ जल्दी से, हाँ सफोकेट का मतलब क्या हो जाता है, सफोकेट, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा बद्दी बताओ जल्दी से, सफोकेट, सफोकेट का मतलब क्या होता है, जल्दी बनाओ सभी लोग, सेनानी वर्ड बताना है, देख के नहीं बताना है, हाँ सफोकेट को अंग्रेजी में समझाना है, बताओ जल्दी से, एक सफोकेट वर्ड आया है उसका मतलब क्या हो जाएगा, हाँ हाँ जो ड्रीम सब उसके जो वर्ड थे, सफोकेट का मतलब क्या होता है, हाँ सफोकेट, यस ओ यू एफ एफ ओ सी ए टी ई, सफोकेट लिखो सभी लोग, हाँ, नेटवर्क लो है तो दूसरे बच्चे बताएं जिनके यहाँ नेटवर्क सही है, हाँ जल्दी बताओ सफोकेट का मतलब क्या हो जाता है, हाँ सफोकेट का मतलब बताओ जल्दी से सभी लोग, हाँ हाँ वेरी गुड, हाँ घुटन, घुटन बहुत अच्छा, लेकिन इंग्लिश में बताओ, थोड़ा सा अंग्रेजी में समझाने की कोशिश करो, क्या कहेंगे क्या हो जाएगा, ठीक है। हाँ, बताओ जल्दी से, हम अंग्रेजी में थोड़ा सा और डिटेल बताओ, ये तो हिंदी में बता रही है, ठीक चलो घुटन ठीक है, घुटन होता है या सांस फूलना होता है, दम घुटना होता है, ठीक है, लेकिन उसका अंग्रेजी में थोड़ा डिस्क्राइब करो, या उसका सिनोनिम दे दो, या उसको समझा दो, थोड़ा सा बताओ अपने हिसाब से, हाँ बताओ बेटा जल्दी से, सफोकेट का क्या हो सकता है, हाँ जल्दी बनाओ सभी लोग, हाँ, सफोकेट का क्या हो सकता है बता दो अपने से, अपने हिसाब से बताओ जल्दी से, हाँ यस, दम घुटना को क्या बोल सकते हैं, हाँ तो इसको थोड़ा समझाओ, हम जानते हैं दम घुटना होता है, हाँ जल्दी लिखिए, हाँ सफोकेट का बताओ, आपको दम, अभी आप कहाँ थे, अभी तक नहीं सुने क्या, सफोकेट को हम से बताओ समझाओ, हाँ ब्रीदलेसनेस, और बताओ, यस वेरी गुड, जल्दी बताओ सभी लोग, सफोकेट का मतलब क्या हो जाएगा, हाँ हैवली ब्रीदिंग, वेरी गुड, हैवली ब्रीद, और वो क्या हो सकता है, सफोकेट मीन्स टू हैव डिफिकल्ट ब्रीदिंग, डिफिकल्ट ब्रीदिंग, ये सही बताया, सफोकेट इज मीन्स टू हैव, सभी लोग समझ गए थे, तो वर्ड को थोड़ा डिस्क्राइब करके बताओ ताकि लगे कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हो और उसका मूल समझ रहे हो, मूल समझना जरूरी होता है, ठीक है। हाँ एक वर्ड आया सीमर, सीमर माने क्या होता बताओ, उसी में सीमर, सीमर लिखो सीमर, हाँ सीमर लिखो सीमर, हाँ सीमर लिखो, नहीं बहरम को हम किसी ब्लॉक नहीं करते हैं, लिखो सीमर, सीमर सीमर
सीमर लिखिए, सीमर 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 लिखिए सभी लोग, सीमर। हाँ सीमर का मतलब क्या होता है बताओ जल्दी से, सीमर का मतलब क्या हो जाएगा? हाँ सीमर का मतलब क्या हो जाएगा? यस एच आई एम एम ई आर, एक वर्ड आया है। सीमर का मतलब क्या हो जाएगा? यस एच आई एम एम ई आर, सीमर का मतलब क्या हो जाएगा? हाँ सीमर, यस एच आई एम एम ई आर, जल्दी लिखो सीमर का मतलब क्या हो जाएगा? यस एच आई एम एम ई आर, हाँ इसका मतलब क्या होगा, क्या होता है बताओ जल्दी से। हाँ बताओ जल्दी से सीमर का मीनिंग क्या होता है? हाँ कुक ए हो जाएगा, और बताओ सीमर का मतलब क्या हो जाएगा? सीमर सीमर यहाँ क्या होगा, इस चैप्टर में क्या होगा? सीमर मतलब होता है मीन्स टू कुक, उसी को जेंटली करना, हाँ थोड़ी सी मार्च में, ठीक है। और बताओ, हाँ झिलमिलाना झिलमिलाना झिलमिलाना, क्यूबरिंग लाइट, ये दीपांजलि ने लिख दिया क्यूबरिंग लाइट, जो कोई झिलमिलाता है। एक और वर्ड आया है गैजल, गैजल मीन्स क्या होता है लिखो। एक वर्ड और आया है गैजल, गैजल लिखो सभी लोग गैजल। हाँ जी ए जेड ई एल एल लिखो, हाँ जी ए जेड ई एल एल गैजल लिखो, गैजल। एक आया है जी ए जेड ई एल एल गैजल, गैल हाँ फ्लटरिंग फ्लटरिंग, वेरी गुड फ्लटरिंग, गैजल लिखो, जी ए जेड ई एल एल इको गैजल लिखो सभी लोग गैजल। हाँ गैजल मीन्स क्या होता है बताओ जल्दी से, गैजल मतलब क्या हो जाता है? एक से में आया हुआ गैजल, गैजल मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैजल, गैजल का मतलब क्या होता है? हाँ गैजल का मतलब होता है जी ए जेड ई एल एल, इसका मतलब क्या हो जाएगा? हाँ गैजल, जी जी ए जेड ई एल एल, गैजल मीनिंग क्या होता है? तुम्ही लोग बता नहीं पा रहे हो गैजल, हाँ क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, गैजल का मतलब क्या आया था चैप्टर में? हाँ टूक 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 जेंटली, गैजल का मतलब बताओ बेटा रक्षा, जी ए हाँ जेड ई एल एल गैजल, जी ए जेड ई एल एल, हाँ एंटीलोप, वेरी गुड, अफ्रीका और एशिया में पाया जाने वाला एंटीलोप, एंटीलोप लिखो, ए एन टी ई एल ओ पी ई एंटीलोप, ए एन टी ई हाँ टी ई एल ओ पी ई एंटीलोप लिखो, एंटीलोप हाँ एंटीलोप लिखो, ए एन टी ई एल ओ पी ई एंटीलोप, हाँ एक प्रकार का एंटीलोप कहाँ पाया जाता है, इसने बता भी आ दिया, अफ्रीका और कहाँ एशिया में, अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है, एशिया में, तो अफ्रीका महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है ना, अफ्रीका और एशिया, नहीं एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया है ना, तो ये कौन सा हो जाएगा? एंटीलोप, एंटीलोप एक प्रकार का हिरन होता है, ठीक है। द बिगेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड कौन सा है? एशिया लिखो, हाँ एशिया और अफ्रीका में पाया जाने वाला एक प्रकार का हिरन है। डियर लिख दो, डियर भी हिरन होता है, लिखो डी ई आर, डियर लिख दो, डी ई आर डीईआर, डीयर डी डबल ई आर लिखो सभी लोग, डियर, डियर माने क्या होता है? हिरन, लिखो जल्दी से, डियर माने हिरन, हाँ जल्दी दीजिए को, हाँ हिरन, समझ में आ गया कि नहीं? हाँ हिरन, हाँ वेरी गुड, तो डियर का मतलब, एक डियर माने प्यारा होता है पहले का, और डियर जो छोटे बच्चे होते हैं डियर वो प्यारा होते ही हैं, तो एक डियर माने हिरन होता है और एक होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारी चीजें इसमें जानी होगी, ये वर्ड आप लोग पढ़े नहीं हैं और परीक्षा में आ जाएंगे तो मीनिंग गड़बड़ हो जाएगा। मीनिंग जानने का मतलब है कि आप चैप्टर जानते हो, याद रहो, तो जो मैं पूछ रहा हूँ इसका मतलब आपने कितना पढ़ाई की है उसको अच्छे से लाइन नहीं, लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ी है। अब आपको लाइन बाय लाइन पढ़ने वाला टाइम भी नहीं रह गया है और आप ऐसे पढ़ाई किए हैं जहां दिक्कत है। चलो अच्छा दूसरा हाँ, तो आप लोग को सैक्रेट माने क्या होता है बताओ? सैक्रेट लिखो, सैक्रेट 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 लिखो, सैक्रेट हाँ सैक्रेट लिखो, सैक्रेट हाँ, थैंक यू वेरी मच, देखो 14 लोगों ने लाइक किया, 28 लोग अभी भी देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, लिखो सैक्रेट सैक्रेट लिखो, सैक्रेट सैक्रेट हाँ सैक्रेट लिखो सभी लोग, सैक्रेट, यस ए सी आर ई डी, हाँ
सैक्रेड और स्केयर्ड दोनों लिखो, जो मीनिंग हमेशा स्पेलिंग में सैक्रेड और स्केयर्ड लिखो। सैक्रेड, सैक्रेड माने क्या होता है बताओ जल्दी से। यस ए सी, हाँ वेरी गुड, होली, बहुत अच्छा राजू, यस ए सी आर ई डी, सैक्रेड। और दूसरा स्केयर्ड लिखो, स्केयर्ड स्पेलिंग बार बार मैं भी मिस करता था। अगला दूसरा लिखो स्केयर्ड, सैक्रेड की स्पेलिंग है यस ए सी आर ई डी। दूसरा लिखो स्केयर्ड, यस सी ए आर ई डी, स्केयर्ड लिखो, स्केयर्ड, हाँ स्केयर्ड। दूसरा मीनिंग लिखो स्केयर्ड, हाँ स्केयर्ड। दो मीनिंग हो गई ना पहले का, स्केयर्ड माने क्या हो जाएगा, सैक्रेड माने पवित्र होगा, होली हो गया, स्केयर्ड माने क्या हो जाएगा बताओ, स्केयर्ड मीन्स क्या हो जाएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केयर्ड, स्केयर्ड का मतलब क्या हो जाएगा जल्दी बनाओ, स्केयर्ड का मतलब क्या हो जाएगा बनाओ, हाँ स्केयर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, सैक्रेड मीन्स रिगार्डेड विद ग्रेट रिस्पेक्ट। हाँ अब स्केयर्ड का मतलब बता दो बेटा, हाँ हाँ स्केयर्ड का मतलब होता है लॉक एंड की, सुरक्षित। हाँ सैक्रेड माने होता है, ठीक है ये सैक्रेड माने होता है सुरक्षित। स्केयर्ड का मतलब होता है बीइंग इन द टेरर, वही फियरफुल लिख दो, फियरफुल, फियरफुल लिखो, एफ ई ए आर एफ यू एल एफ यू एल, फियरफुल, ठीक है। तो फियरफुल मतलब होता है कोई चीज डरा हुआ, ठीक है हाँ, तो फियरफुल लिख देना सभी लोग। तो फियरफुल का मतलब क्या होता है, कोई चीज डरा हुआ। तो सैक्रेड का मतलब हो जाता है कोई चीज। डैनी किस देश का था, डैनी किस देश का रहने वाला था बताओ सभी लोग, डैनी किस देश का रहने वाला था, हाँ डैनी जो था वो किस देश का रहने वाला था बताओ सभी लोग, डैनी किस देश का रहने वाला था बताओ जल्दी से आप लोग, स्विट्जरलैंड। दूसरा बताओ जल्दी से, दूसरा बताओ जल्दी से, इन्होंने स्विट्जरलैंड बता दिया, डैनी स्विट्जरलैंड का रहने वाला था। और दूसरे बच्चे बताए, डैनी किस देश का रहने वाला था, स्विट्जरलैंड एक देश है, उसी तरीके से एक किस देश का डैनी कैसी रहने वाला था बताओ जल्दी से, स्विट्जरलैंड। और बताओ सभी लोग, दूसरे लोग बताओ, ऑप्शन में लेकिन इसमें स्विट्जरलैंड दिया नहीं है, ऑप्शन नंबर एक दिया है आयरिश था, दूसरा नंबर है इंग्लिश था, तीसरा है फ्रेंच, चौथा है जर्मन, कहाँ का रहने वाला था बताओ आप लोग। गोइंग प्लेसेस चल रहा है एयर बार्टन का, जो नए जुड़े हैं याद रहे गोइंग प्लेसेस एयर बार्टन द्वारा है, जिसमें ये पूछा जा रहा है, उसमें एक कैरेक्टर है डैनी कैसी, वो कहाँ का रहने वाला थे ये पूछा जा रहा है। और ऑप्शन में दिया है आयरिश, इंग्लिश, और उसके बाद दिया है फ्रेंच और जर्मन, तो कहाँ का रहने वाला था एक बार कंफर्म करो, कहीं आयरिश का तो नहीं था, आयरिश की तरफ से खेलता था क्या, है ना, हाँ ध्यान देना आप लोग, हाँ तो क्लियर करके बताओ सभी लोग। मुझे याद नहीं है लेकिन चार ऑप्शन ही दिया है, इसमें स्विट्जरलैंड नहीं है तो शायद आयरिश होगा, ठीक है हाँ। रहने वाला कहाँ था, आयरिश था, ओके आयरिश को और स्विट्जरलैंड कह सकते हैं, हमें तो नहीं लगता है आयरिश को आयरलैंड को स्विट्जरलैंड कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, है ना, दोनों अलग अलग देश है आयरलैंड स्विट्जरलैंड, हमारे ख्याल से दोनों की राजधानी भी अलग अलग होगी। अच्छा बताओ उसमें एक कहता हूँ, कौन कहता आयरलैंड विल विन द वर्ल्ड कप, किसने कहा था कि आयरलैंड विल विन द वर्ल्ड कप, कौन कहा था बताओ, कौन सा कैरेक्टर ये कहा था कि आयरलैंड मैच जीत जाएगा, कौन बताया था बताओ जल्दी से, उस कैरेक्टर का क्या नाम था, किसने कहा था आयरलैंड मैच जीत जाएगा जल्दी बताओ सभी लोग, किसने कहा था कि आयरलैंड मैच जीत जाएगा, हाँ किसका स्टेटमेंट था कि आयरलैंड मैच जीत जाएगा, हाँ बताओ जल्दी से, कौन कहा था कि आयरलैंड मैच जीत जाएगी, इसका बयान बताओ छोड़ो, हाँ आयरलैंड मैच जीत जाएगा ये किसका स्टेटमेंट है, कौन कहा था बयान बताओ, उसी में से एक कैरेक्टर कहा था, किसका स्टेटमेंट है, बताओ तुम लोग एक घंटे तो जल्दी से, पांच कितने लेटर हैं, केवल नाम बताना है बस, किसने कहा था कि आयरलैंड मैच जीत जाएगा, एन आयरिश, चलो बताओ दूसरा बताओ, देख लेना है जो है, किसने कहा था कि आयरलैंड विल विन द मैच, ये किसका स्टेटमेंट है,
आयरलैंड मैच जीत जाएगा, ये किसका स्टेटमेंट है बताओ सभी लोग। रहा होगा बेरा, मुझे कंफर्म नहीं, पहले बताओ आप लोग बता नहीं पा रहे हो किसका स्टेटमेंट था आयरलैंड विल विन द मैच। डेरेक ने कहा था, डेरेक लिखो सभी लोग, डेरेक DERECDERECK। ये क्या पढ़ रहे हो और तुम लोग इंटर में, डेरेक DERECK, डेरेक लिखो सभी लोग, डेरेक। हाँ ये नहीं लिख पा रहे हो आप लोग। डेरेक ने कहा था कि आयरलैंड विल विन द मैच, जब लोग लौट रहे थे कि आयरलैंड जीतेगा। डेरेक जैसे आप लोग कहते हैं इंडिया जीतेगा, वैसे वो भी एक्साइटेड था। हाँ भले ना जीता हो, क्या होगा इसका कौन जानता है। हाँ सोफी के छोटे भाई का क्या नाम था, सोफी के छोटे भाई का क्या नाम था। वेरी गुड डेरेक, सोफी के छोटे भाई का नाम था डेरेक, और उसी ने कहा था कि इंडिया मैच जीतेगा, इसलिए याद रखना डेरेक ने कहा था कि इंडिया मैच जीतेगा, इस बात को याद रखना। अच्छा बताओ जॉब किसका बड़ा भाई था, किसका बताओ, जानसी का, सोफी का, बताओ किसमें किसका बड़ा भाई था। यही सब चीजें नहीं आएंगी तो आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे, इसलिए कहानी को सब चीज याद आना चाहिए। हाँ सोफी एंड डेरेक, सोफी का बड़ा भाई था। अच्छा बताओ जॉब को स्कूल छोड़े कितने समय हुए थे बताओ जल्दी से, जॉब को स्कूल छोड़े कितने समय हुए थे। हाँ जॉब को स्कूल छोड़े कितने समय हो गए थे, कितने वर्ष हुए थे। 3 years, बहुत अच्छा बेटा, वेरी नाइस। 3 साल हो गए थे, 3 साल स्कूल छोड़े हुए थे, ठीक है। अच्छा बताओ डैनी कैसी का, जब उसने सब चीज बता दिया सारी चीजें है ना। हाँ तो क्या कहती है कि मैंने उसके बारे में नहीं बताया, क्या वो नहीं बताया था बताओ। डैनी कैसे, उसकी बात करने की स्टाइल, डैनी कैसे का उसका एकेडमिक शैक्षिक योग्यता, और डैनी का टीथ, और डैनी का हेयर स्टाइल, तो किसको बताने के लिए नहीं किया था बताओ। सोफी ने क्या नहीं बताने के लिए निर्णय लिया था। जय डैनी कैसी की सारा वर्णन बता दी सोफी ने, लेकिन कौन सी चीज नहीं बताने के लिए कहा था, वो था उसकी बात करने का तरीका, दूसरा उसका वे ऑफ टॉकिंग, दूसरा है क्वालिफिकेशन, तीसरा है टीथ, और चौथा स्टाइल, बताओ कौन सा चीज नहीं बताने के लिए कही थी, क्या निर्णय ली थी सोफी ने। हाँ सोफी क्या निर्णय ली थी, क्या नहीं बताने के लिए कही थी बताओ जल्दी से सभी लोग। तीन वर्ष हो गए थे, लेकिन सोफी ने सारा वर्णन तो डैनी कैसी के बारे में बताता है, लेकिन एक चीज नहीं बताने का निर्णय किया कि हाँ ये हम नहीं बताएंगे, तो उसका क्या ना? बताओ वो बात करने का तरीका उसका डैनी कैसी बताने के लिए नहीं निर्णय ली, या उसका क्वालिफिकेशन, या उसके टीथ के बारे में, या उसके हेयर स्टाइल के बारे में, बताओ क्या। क्वालिफिकेशन वंदना मौर्य ने बता दिया, ठीक है प्रभाकर ने, और दूसरा बताओ, दूसरा कौन है। हाँ दूसरा क्या हो जाएगा, क्वालिफिकेशन एक हो गया, दूसरा बताओ। क्वालिफिकेशन जैसे लग रहा है क्वालिफिकेशन लिखा जाता है, तो क्वालिफिकेशन लिखो जैसे कोयला में जा रहेगा। दूसरा क्या है बताओ आप लोग, हाँ इनका क्वालिफिकेशन, और क्या बताओ दूसरा कोई लोग बताओ। हाँ चार है ऑप्शन, टॉकिंग, वे ऑफ टॉकिंग, दूसरा है क्वालिफिकेशन, तीसरा है टीथ, चौथा है स्टाइल, क्या है बताओ आप लोग। देखो एक लोग बता दिए, दूसरे लोग सोच रहे हैं, खोज रहे हैं,
क्या कहा था, क्या कहा था जैसे बताया ही नहीं गया हो, बताओ राजू। हाँ इसका सारा वर्णन तो देखो जो सोफी ने क्या किया सारी चीज बता दी, लेकिन एक चीज उससे नहीं बताई थी, वो क्या था, सारा वर्णन का हुलिया का बता दी लेकिन एक चीज के बारे में नहीं बताई थी, क्या था, हेयर स्टाइल। दूसरा बताओ, हेयर स्टाइल कह दिए, क्वालिफिकेशन, उसके दांत के बारे में लिखो, टीथ, टीथ लिखो सभी लोग, दांत के बारे में, उसका जो दांत था ये था वर्णन, यही चीज नहीं बताने के लिए कहा था, और सब बताने के लिए कहा था, तो टीथ मतलब दांत का जो वर्णन था उसके बारे में उन्होंने डिसाइड किया कि हम दांत के बारे में नहीं बताएंगे। तो आप ऐसे करोगे पढ़ाई, बताओ, टीथ के बारे में सारा चीज, डैनी कैसी और सोफी के बारे में सारी कहानी लिखेगा तो आप टीथ नहीं लिख पा रहे हो। मैच किस दिन देखने गए थे वो लोग, कौन सा दिन था जिस दिन वो लोग मैच देखने के लिए गए थे, कौन सा दिन था बताओ, कौन सा दिन था जिस दिन वो लोग मैच देखने गए थे। टीथ की स्पेलिंग सौम्या तुमने गलत लिख दिया, TEETH रहेगा, टीथ। कौन से दिन वो लोग मैच देखने गए थे बताओ, एक लोग संडे बता दिए, दूसरा बताओ बेटा, संडे, और बताओ सभी लोग, हाँ बताओ जल्दी से, दूसरे लोग बताएं, दो लोग का रिस्पांस आ गया संडे को, और दूसरा, हाँ किस दिन, दिन का बताना, यूनाइटेड, मन यूनाइटेड तो मैच था, टीम का नाम था, लेकिन जो है सैटरडे, देखो अभिषेक ने सही बताया, वो मैच लोग देखने गए थे सैटरडे के दिन, सैटरडे था, और आप लोग संडे बता रहे हो, टीम का क्या नाम था, टीम का क्या नाम था, टीम का क्या नाम था, टीम का, टीम का क्या नाम था, व्हाट वाज द नेम ऑफ द टीम, टीम का क्या नाम था, टीम का क्या नाम था, व्हाट वाज द नेम ऑफ द टीम। देखो सैटरडे नहीं बता पा रहे हो, तुम लोग किस गेम गया था, क्या पढ़े हो, इतना बेहतरीन ढंग से हमने बताया है, इसको समझाया है कितने दिन की लेके, हाँ वेरी गुड वेरी नाइस, तो राजू ने सही बताया, वो लोग यूनाइटेड का, टीम का क्या नाम था, यूनाइटेड, नेम ऑफ द टीम लिखो, नेम ऑफ द टीम, नहीं तुम लोग यूनाइटेड को अमेरिका कह दोगे, नेम ऑफ द टीम, ये नेम था टीम का, ठीक है। हाँ अच्छा बताओ, पब के बाहर क्या थी, पहली है बाइक खड़ी थी, दूसरा है साइकिल, तीसरा है बाई जो है उस, हाँ लुको पहले, पब एक है, पब माने मदिरालय होता है, आपने बताया था है ना, तो पहला हो जाएगा पब के बाहर क्या खड़ी थी, उसके पिता की बाइक खड़ी थी, उसके पिता की साइकिल खड़ी थी, उसके भाई की बाइक खड़ी थी, और या उसके भाई की कार खड़ी थी, बताओ क्या थी, पब के बाहर क्या थी बताओ, क्या खड़ी थी, क्या खड़ी थी बताओ, हाँ पब था, पब के बाहर क्या खड़ी थी, उसके पिता की साइकिल थी, उसके पिता की बाइक थी, उसके भाई की बाइक थी, उसके भाई की कार थी, बताओ। किसकी साइकिल थी, उसके भाई की थी, उसके पिता की थी, बताओ किसकी साइकिल थी, और साइकिल की स्पेलिंग गलत लिखी हो, किसकी साइकिल थी बताओ, वेरी गुड, अब ये साइकिल बताओ उसके पिता की थी, ठीक है, हाँ उसके पिता की साइकिल थी, ठीक है, उसके डैड की साइकिल थी जो पब के बाहर खड़ी थी, अब जाके आज कहानी पर मजे। अच्छा बताओ सोफी ने अपने जब वहां गई घर पे तो उसके गले में जकड़न क्यों थी, व्हाई वाज सब उसके थ्रोट में टाइट क्यों हो गया, टाइटनिंग क्यों महसूस की, जकड़न क्यों महसूस की, क्या कारण था,
बताओ जल्दी सभी लोग। सोफी जब घर जाती है तो अपने गले में एक जकड़न महसूस करती, क्यों? उसका कारण क्या है बताओ आप लोग। बिकॉज आप स्मोक की स्पेलिंग क्या लिखे हो, पहले इस स्मोक की स्पेलिंग देखो। डायरी कैसी नहीं मिलने है बताओ राजू, स्मोक की स्पेलिंग सही लिखो आप। हाँ तो क्या हो जाएगा स्मोक, वेरी गुड, क्योंकि वहां पे जो रूम में था, रूम में भाप थी, स्मोक थी, तो लिखो क्यों भाप थी। जो स्टोव लगी हुई थी उसमें से स्टोव रखी हुई थी, स्टीम निकल रही थी, भाप थी उसी नाते। ठीक है, तो इसलिए भाप थी, इसको तो ध्यान दो। हाँ वेन सोफी वेंट, नीलेश आ गए, देखो नए लड़के आ गए। वेन सोफी वेंट होम शी फेल्ट ए टाइटनेस इन हर थ्रोट लाइकली ड्यू टू नर्वसनेस और इमोशनल डिस्ट्रेस। नहीं, इसका मतलब क्या था ना, स्मोक था, स्टोव पे रखी हुई थी जो स्टीमी भाप थी, स्टीम था, भाप लिखो स्टीम, स्टीम मतलब भाप होता, लिखो स्टीमी। ठीक है, भाप वहां उड़ रही थी, बहुत ज्यादा भाप निकल रही थी इसीलिए। समझ गया बेटा कि नहीं? हाँ समझ गया कि नहीं? फ्रैंक कौन था बताओ, फ्रैंक कौन था, फ्रैंक कौन था, हु वाज फ्रैंक, हु वाज फ्रैंक बताओ, हु वाज फ्रैंक, फ्रैंक कौन था, हु वाज फ्रैंक। गुड इवनिंग बेटा नीलेश, गुड इवनिंग। हु वाज फ्रैंक बताओ जल्दी से, हु वाज फ्रैंक। नीलेश बहुत दिन बाद तुम ज्वाइन कर रहे हो, हु वाज फ्रैंक लिखो, हु वाज फ्रैंक। हु वाज फ्रैंक लिखो सभी लोग, हु वाज फ्रैंक। हाँ जानसी के भाई था, वेरी नाइस। हाँ फ्रैंक ब्रदर ऑफ सोफीज फ्रेंड, हाँ जानसी का भाई था, जानसी के ब्रदर का नाम था फ्रैंक, वेरी गुड। जॉफ ने फ्रैंक को क्या बताया था बताओ, जॉफ ने फ्रैंक को क्या बताया था बताओ, जॉफ ने फ्रैंक को क्या बताया था। बताओ क्या बताया, जॉफ ने जो है, जॉफ ने फ्रैंक को क्या बताया था। जॉब और फ्रैंक दोस्त थे, दो बोथ और फ्रेंड। हाँ जॉब ने फ्रैंक को क्या बताया था ये बताओ, जॉब ने फ्रैंक को क्या बताया था। हाँ जॉब एक्सक्लेम्ड टू फ्रैंक, एक्सलेंट के बाद टू लगता है क्या, मुझे तो नहीं मालूम। एक्सलेंट फ्रैंक क्या कहता है, दैट सोफी हैड मेट कैसी, वेरी गुड। और क्या उससे जो है, हाँ ये बताया था कि उसने उससे, कि उससे जो सोफी थी वो कैसी से मिल चुकी है, वेरी नाइस। समझ में आ गया कि नहीं आप लोगों को? अच्छा क्या खोलने की बात कही थी बताओ, क्या खोलने की बात कही थी, कौन सी दुकान, किस चीज की दुकान।
किस चीज की दुकान खोलने की बात कही थी? जो लोग नए हैं उन्हें मालूम हो, यहाँ पे कोई फायदा नहीं होगा, जो पढ़े हैं उन्हीं को ही ये समझ में आएगा। बुटीक की स्पेलिंग सही लिखे, और आप ही रॉक्स एक बार चेक करो तो, बुटीक की स्पेलिंग एक बार चेक करो तो, मुझे डाउट हो रहा है, फिर से लिख के बताओ। और जो सही आता है जिसको लिखे, आदिपांजलि का मुझे सही लग रहा है, अगर बुटीक की स्पेलिंग, आपका हमको उतना सही नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों, है ना। बुटीक, बुटीक खोलना चाहती थी, बुटीक का मतलब क्या होता है, बुटीक का मतलब क्या होता है? बुटीक का मतलब क्या होता है बताओ सभी लोग। हाँ, बुटीक का मतलब क्या होता है? बुटीक को क्लियर करो, बुटीक का मतलब क्या होता है? स्मॉल शॉप दैट सेल्स एक्सपेंसिव क्लोथ्स, और बताओ, गिफ्ट भी बेचती है, फैशन डिजाइन कपड़े बेचती है। हाँ, बुटीक का मतलब ये होता है, बहुत अच्छा। और उसे क्या कैसे पूरा करना चाहती थी, क्या क्या आप बताओ, वो किसे कैसे बन बन के क्या क्या बनना चाहती थी ताकि वो पूरा कर ले? गिफ्ट भी बेचता, वेरी गुड। उसे कैसे पूरा करना चाहती है, उसका क्या क्या तरीका बताई है, उन तरीकों को बताओ। फैशनेबल क्लोथ्स एंड गिफ्ट, वेरी गुड। उसे पूरा कैसे करना चाहती थी बताओ, क्या क्या बनकर वो पूरा करना चाहती थी? लगा दिया क्या? देखो ये भी आ गए, कुत्ते भी आ गए, बंद करिए ना, नहीं तो पी जाएंगे। हाँ, तो क्या हो जाएगा, मॉल, मॉल की स्पेलिंग एम ए एल एल होता हमारे ख्याल से, मॉल का, है ना। कुत्ते भी आ गए, ऐसा ही नहीं, चारों ऐसे खड़े रहेंगे तो। कोई है भी नहीं, इनको खिलाएगा कौन, देख रहे हैं कैसे हैं? अब चारों ऐसे हैं। हाँ, चलिए अच्छा। हाँ, तो क्या हो जाएगा, हाँ, मॉल खोलेगी, और कैसे कैसे पूरा करना चाहती थी, उसका तरीका सब बताओ। इंतजार कर रहे, चलो बताओ। हाँ, क्या हमने बोला है, हाँ, एक मॉल हो गया, और दूसरा बताओ जल्दी से, और क्या क्या बन गई, वो अपने टारगेट को क्या क्या तरीका बताई कि इस तरीके से पूरा करने देगी। फैशन डिजाइनर बन जाएगी, एक्ट्रेस बन जाएगी, और हाँ, देखो अपने गोल को प्राप्त करने के लिए पूछा जा सकता है ये, चूंकि मोटिवेशनल है कि वह अपने गोल को पूरा करने के लिए क्या क्या करना चाहती थी, है ना। बीइंग मैनेजर, फैशन डिजाइनर, हीरोइन, शी वांटेड टू गेट हर गोल, ठीक है। हीरोइन का क्या नाम था, मैरी क्वेंट, मैरी क्वेंट सभी लोग लिखो। ये मैरी क्वेंट कहाँ की रहने वाली थी, मैरी क्वेंट रहने वाली कहाँ की थी? हाँ, मैरी क्वेंट एक्ट्रेस, फैशन डिजाइनर, मैनेजर, और इसमें से सबसे पहले क्या क्या कहती है, पहले एक्ट्रेस बनने के लिए बारे में विकल्प आता है कि फैशन डिजाइनर की मैनेजर, बताओ सबसे पहले क्या आता है इन चीजों में, पहले एक्ट्रेस, फैशन डिजाइनर और मैनेजर में सबसे पहले कौन सी चीज की उसने वो प्रस्ताव रखा, कौन सी चीज पहले बनना चाहती थी, सबसे पहले किसकी बात आई, एक्ट्रेस की आई कि फैशन डिजाइनर की आई कि मैनेजर की? हाँ, क्रम वाइज लगाओ इसको, वो एक दो तीन करके लिखो, एक दो तीन करके लिखो।
हाँ एक दो तीन करके लिखिए। पहले बुटीक खोलने की बात कही, ठीक है। दूसरा क्रम से लगाओ, 1 2 3 करके दिखाओ। अगर क्रम से लगाने के लिए आ गया तो क्या करोगे आप लोग? पहले बुटीक, दूसरे नंबर पे एक्ट्रेस, दूसरे नंबर पे मैनेजर होगा। पहले पे बुटीक, हाँ तो बुटीक तो खोलने की बात कही थी, वो उसको पूरा करने के लिए क्या क्या कही थी ये? ओके चलो, पहले नंबर पे बुटीक आता है, दूसरे पे मैनेजर आएगा ना। देखो एक बार चेक करो, उसका क्रम फिर से सेट करो। दूसरा पे एक्ट्रेस हो गया, फैशन डिजाइनर। फिर से एक बार कंफर्म करके क्लियर करो राजू। बीइंग मैनेजर इज सेपरेटेड केस, ठीक है। हाँ मैनेजर, एक्ट्रेस, फैशन डिजाइनर, ठीक है, ऐसे करके। हाँ तो थोड़ा अलग से आप देख लीजिएगा आप लोग इसको, मैं नहीं कह रहा हूँ क्या है। पहले बुटीक खोलती है, उसका सेपरेटेड केस है। हाँ इसके बारे में पढ़ लेना, मेरा कहने का मतलब आपको जो है, हाँ हाँ उसके बारे में एडजेक्टिव क्या क्या कहते हैं। सोफी जॉब कैसा है बताओ जल्दी से। उसकी आंखें के बारे में वर्णन हुआ होगा, उसका ऐसा है क्या क्या है, इसके बारे में क्या क्या बताती है जॉब के बारे में। अगर कैरेक्टर स्केच आ गया कि चरित्र चित्रण लिखो तो क्या बताओगे? ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है मैनेजर प्रपोजल नहीं, ठीक है। अब बताओ, चलो आपका मात बात मानते हैं। दूसरा बताओ, जॉब के बारे में चरित्र चित्रण लिखना रहेगा तो क्या लिखोगे? जॉब के बारे में जो डिस्क्राइब करती है एडजेक्टिव क्या क्या? ग्रीन आईज, चलो अच्छा, हरी आंखें हैं, और बताओ और क्या आ जाएगा? ग्रीन आईज और जेंटल आईज, आंखें हरी हैं और जेंटल हैं, ठीक है। ग्रीन एंड आईज एंड जेंटल, ग्रीन एंड जेंटल आईज हो जाएगा। चलो आगे बताओ और क्या बताती है? प्रोडिजी है, वेरी गुड, प्रोडिजी, ए वर्ड आर एम। प्रोडिजिटी का मतलब क्या होता है? सेनानिम क्या हो जाएगा प्रोडिजी का? प्रोडिजी का सेनानिम क्या हो जाएगा? पर्यायवाची बताओ आप सभी, प्रोडिजी का सेनानिम क्या हो जाएगा? जिनको कोई काम वाम करना है कर ले, अभी क्लास 10 मिनट चलेगी कम से कम। प्रोडिजी का सिनोनिम क्या हो जाएगा? हाँ प्रोडिजी का सिनोनिम बुद्धिमान, विलक्षण प्रतिभा का, ठीक है। बहुत टैलेंटेड को बोलते हैं प्रोडिजी, वाइस माने बुद्धिमान, ठीक है, वेरी गुड। और बताओ और क्या? चलो प्रोडिजी था पहली बात, ग्रीन आईज थी, और क्या था? ग्रीन आईज, प्रोडिजी और कुछ बताती हैं? इतना ही बताती हैं? चलो अच्छा, हाँ वो ये भी बताती है कि वह उतना लंबा नहीं है, ठीक है, हाँ जितना वह सोचता है। चलो अच्छा बताओ, सोफी अपने भाई के कमरे में क्यों गई? सोफी अपने भाई के कमरे में क्यों गई? सोफी अपने भाई के कमरे में क्यों गई थी बताओ? सोफी अपने भाई के कमरे में क्यों गई और उस समय वह क्या कर रहा था, इसका बनाओ। वेरी टैलेंटेड, चलो ऐसा टैलेंटेड जो बहुत कम ही मिलते हैं, ऐसा मतलब इसका हो जाएगा।
सोफी अपने भाई के कमरे में क्यों गई? हाँ ये हो जाएगा, वाई है सोफी, सोफी की स्पेलिंग हो जाएगा या सो पी एच आई ई। वाई डिड सोफी गो इन टू हर ब्रदर्स रूम, हर ब्रदर्स रूम, वाई डिड सोफी गो इन टू हर ब्रदर्स रूम, वाट वॉज ही डूइंग देन, तब वह क्या कर रहा था। सोफी की स्पेलिंग एस ओ पी एच आई ई रहेगा। हाँ वाई डिड सोफी गो इन टू हर ब्रदर्स रूम, अपने भाई के कमरे में क्यों गई। वाट वॉज ही डूइंग देन, तब वह क्या कर रहा था। वाई डिड सोफी गो इन टू हर ब्रदर्स रूम, वाई डिड सोफी गो इन टू हर ब्रदर्स रूम, अपने भाई के कमरे में क्यों गई। वाट वॉज ही डूइंग देन, तब वह क्या कर रहा था, बताओ। जल्दी जल्दी बताइए। यस, इन्होंने सही बताया, सो दैट सी माइट एबल टू विथड्रॉ हिज अटेंशन, ताकि वो अपना अटेंशन ले सके। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि उसने उस समय वो क्या क्या रहा था। मोटरसाइकिल का रिपेयर कर रहा था, ही वॉज रिपेयरिंग, ठीक है, जो पार्ट था रिपेयरिंग अ पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल, लिखो ही वॉज रिपेयरिंग अ पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल, ही वॉज रिपेयरिंग अ पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल, ही वॉज रिपेयरिंग अ पार्ट ऑफ आप, ठीक है, मोटरसाइकिल। ही वॉज रिपेयरिंग अ पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल, लिखो, ही वॉज रिपेयरिंग अ पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल, ही वॉज रिपेयरिंग, हाँ द नट सोर्स था, उसको देख रहा था, घूर रहा था, तो ही वॉज रिपेयरिंग अ पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल, अपनी मोटरसाइकिल का एक पार्ट को क्या कर रहा था, उसको देख रहा था। ये चीजें याद होनी चाहिए आप लोगों को। तो वो जाके जो सीक्रेट सोच रही थी, जो उसके अंदर पोला पक रहा था, बातें पक रही थी, बहुत दिन से रखी हुई थी। अच्छा, ऐसी बातें क्या होती, कौतूहल मचा रहा था अंदर, उसके अंदर एक कौतूहल मचा रहा है कि ये बता दें, वो बता दें, ये बता दें, वो बता, सारी बात बताना चाह रही है। इसलिए जो सारी बातें उसके अंदर उमंगे हो रही थी, ठीक है, जो तरंगे उड़ रही थी उसके अंदर, भावनाएं थी, वो सारी चीजें बताने के लिए जाती है। और उस समय वो क्या कर रहा था, ही वॉज रिपेयरिंग आ पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल, वह अपने मोटरसाइकिल के एक पार्ट को रिपेयर कर रही थी। ये हो जाएगा। अच्छा, कहां मिला था, उसने उसको क्या बताया कि डैनी कैसी कहां मिला था, किस जगह, जैसे इमेजिनरी कहानी, लेकिन उसने उससे वर्णन क्या कहा था, कहां मिली थी, हाँ कहां बताने, किस जगह को वो बताई थी कि यहां पे मिली थी वो। बताओ सभी लोग, रॉयस विंडो, और बताओ रॉयस विंडो कहां थी। हाँ रॉयस विंडो और कहां थी, इन द आर्केड आया है, इन द आर्केड शब्द आया है, आर्केड, इन द आर्केड लिखो सभी लोग, इन द आर्केड, इन द आर्केड लिखिए, इन द आर्केड, इन द आर्केड लिखो, हाँ वो कहती है सी मेट डैनी कैसी इन द आर्केड, है ना, और कहां पे, हाँ इन द आर्केड लिखो, आर्केड शब्द है, आर्केड मतलब क्या होता है बताओ, आर्केड मतलब क्या होता है, आर्केड का मतलब क्या होता है, ए आर सी ए डी ई, आर्केड लिखो, ए आर सी ए डी, इन द आर्केड, इसका मतलब क्या हो जाएगा। वेरी गुड, मार्केट होगा, और वो क्या बता रहे हैं, होटल बता रहे हैं, इनको होटल आ रहा है,
होटल लिख के आ जाओगे, आ जाएगा ऑप्शन में तो होटल लिखो, फिर कहोगे सही है। अच्छा सोफी जो है जॉब से ईर्ष्या क्यों करती थी? सोफी जॉब से ईर्ष्या क्यों करती थी? हाँ ये सही राजू आपने लिखा, सी मेट हिम इन द आर्केड एट रॉयस विंडो। आप ला सकते हो, ऐसे मेहनत करो बेटा, सही बना रहे हो। आपका प्रयास अच्छा चल रहा है, बताओ जल्दी से। हाँ मैंने कहा सोफी जो है जॉब से ईर्ष्या क्यों करती थी, व्हाट वाज द रीजन, वह उसके ऊपर ईर्ष्या क्यों करती थी? सोफी जो है जॉब पर ईर्ष्या क्यों करती थी? बिकॉज ही वॉज साइलेंट पर्सन, और क्या सोचती थी? और उसके बारे में उसका क्या ख्याल आता था कि वह क्या कैसे कैसे के बारे में और कुछ सोचती थी? और बताओ इसके बारे में और कुछ सोचती है। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने सभी लोग लाइक किए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने लाइक किया है ना, 1.5 घंटे की मेहनत को सल्यूट किया, थैंक यू वेरी मच। हाँ हमने क्या कहा आप लगा बताओ, एक पहली बात तो साइलेंट थी, चलो अच्छा और क्या थी, और क्या थी बताओ, और क्या रीजन था? इतना ही लिख दोगे अगर आ जाएगा तो? मान लीजिए अब अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो इतना लिखोगे कि साइलेंट पर्सन था, और कुछ सोच सोच के बताओ, छोटा छोटा वाक्य बनाओ, हमें फैक्ट चाहिए बस कि आप क्या पढ़े हो। साइलेंट पर्सन था और क्या था बताओ, बीकाजी वह साइलेंट पर्सन और क्या था? तो वह क्या सोचती थी, साइलेंट ही क्या कर, वो क्या सोचती थी, पूरा रीजन नहीं बता रहा। बिकॉज ही हैड नो अटेंशन टूअर्ड सोफी एंड द रीजन ऑफ हिज जीलस वाज हिज साइलेंट हिज पेट्रोलिंग ऑफ फॉरेन सिटी। हाँ वो सोचती थी कि वह उसे उन जगहों पर नहीं ले जाता है वह जहां जाता है, बहुत दूर शहर में, वो सोचती थी ये कहीं जाता है दूर शहर में, कुछ बात बताता नहीं, कुछ बोलता नहीं है, इसका मतलब हमसे दूरी बनाता है, हमसे क्यों नहीं बोलता, ये सारी ईर्ष्या के कारण थे। ठीक है हाँ हाँ इस तरीके से। समझ गए कि नहीं सभी लोग, आप सभी लोग? हाँ इमेजिनेशन के बारे में एक्सप्लेन करो सभी लोग, अपना अपना विचार लिख के भेजो सभी लोग इसके बारे में, सोफी के इमेजिनेशन के बारे में सभी लोग लिखो, जो इमेजिनेशन की थी उसके बारे में लिखो जल्दी से, सोफी जो इमेजिनेशन की थी उसके बारे में लिखो, मैं देखता हूं को अपने से लिखना, टाइप करके पूरा क्या क्या इमेजिनेशन किया, अपने से बना के क्वेश्चन लिखना है, यहीं पे लिखना है, मैं सबका पढ़ूंगा, करो होमवर्क है, क्या इमेजिनेशन की है उसके बारे में, जो दिन वाला स्वप्न देखी है साफ साफ उसके बारे में। सोफी के इमेजिनेशन के बारे में एक इमेजिनेशन वाली जगह कंप्लीट इमेजिनेशन वाली आई है, वही लिखना आप लोगों को।
सभी लोग लिख के भेजो साफ साफ। हेलो, हाँ मैं कह रहा हूँ सुबह वही गैस के लिए फोन किया था पर अभी भेजे नहीं है, कह रहे थे भेजे भेजेंगे और इधर गैस एकदम नहीं है और आज सभी लोग टीचर चले गए हैं। हमने दो तीन बार उनके यहाँ फोन किया पर उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। अरे हम दो तीन अब क्या किया जाए बताइए, सोल्यूशन कैसे निकलेगा। अभी 8 बज रहा है, 8:07 हो रहा है। चलिए तो कोई बात नहीं, उनसे कहना वो उन तो हमने सोचा शाम हम तक आएंगे, जैसे आएंगे तो आएंगे फिर ठीक है। ठीक ठीक चलिए अच्छा हमने देख लेते हैं। इमेजिन आप सोफी सी इमेजिन दैट सी मेट कैसी एंड ट्राई टू गेट कैसी ऑटोग्राफ। ओ सोफी इमेजिन हैड ए ओन बटीक एंड सी इमेजिन सी मेट, अभी तक सही नहीं लिख पाए हो, और दूसरा लिखो सभी लोग जाके इसके बारे में सभी लोग पढ़ के तब लिखना कमेंट में। तुम लोग सही नहीं लिख पा रहे हो, एग्जैक्ट आइडिया आपका फिगर नहीं जा रहा सही से, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्लास को एंड करेंगे और आप लोग जाके आज इसके बारे में पढ़ना, यही लास्ट क्वेश्चन है। आप सोच नहीं पा रहे हो क्या क्या है ना, जो कंप्लीट इमेजिनेशन है उससे हट के भी इमेजिनेशन है लेकिन आप लोग सोच नहीं पा रहे हो, और दूसरा कोई लिख नहीं रहा समझ नहीं पा रहा है। ये तो इमेजिनेशन थी, ये तो ड्रीम की जिस पर कहानी, और एक इमेजिनेशन प्योरली एकदम पूरी तरीके से है ना, पूरी इमेजिनेशन। एट द एंड सी इमेजिन दैट कैसी वुड कम टू हर, जॉब के बारे में जो इमेजिनेशन की हम उसकी बात कर रहे हैं, जॉब के बारे में क्या इमेजिन करती है हम उसकी बात कर रहे थे, जॉब के बारे में क्या इमेजिन करती है आप लोग बता नहीं पा रहे हो। जॉब के बारे में क्या इमेजिन करती है बताओ बच्चों, जॉब के बारे में जब उससे ईर्ष्या करती है उसके बाद इमेजिनेशन करती है ना, तो वो इमेजिनेशन को हम पूछ रहे हैं। कल सुबह की क्लास नहीं रहेगी ठीक है, हाँ कल सुबह की क्लास नहीं रहेगी और शाम वाला का जैसा होगा 6:30 बजे हो सके चलेगी, वो भी हम बताएंगे आप लोगों को। बताओ जल्दी से, किसी को नहीं पता चल रहा है। नहीं पता है तो नो सर लिखो, जाके कमेंट करके लिखना आप लाइन में, यही चीजें हैं सब चीजें। आप पढ़ नहीं पा रहे समझ नहीं पा रहे, थोड़ा मोड़ा बातें अगर ग्रामेटिकल नहीं सही लिख रहे हो कम से कम लिखना भी तो चाहिए। सी मेन दैट सी वुड गो ऑन राइड विद हर एंड मेनी पीपल वुड वेलकम देम, वेरी गुड। और बताओ और क्या क्या, वेरी नाइस आप पकड़ लिए हो राजू, और सोचो और क्या क्या। अपने कपड़े के बारे में भी बताती है ठीक है, वह उसके पहले बैठी कपड़े उपड़े के बारे में भी बताती है, कपड़े का कलर भी बताती है ना, उसका दुपट्टा के बारे में भी बताती है कैसे से है, ये सारी चीजें है ना। वेरी गुड आपने सही इमेजिन किया, येलो ड्रेस, और इसको बना के सेंटेंस बनाओ, येलो ड्रेस और बताओ, सारी चीजें सेंटेंस में छोटे छोटे सेंटेंस, येलो ड्रेस और बताओ,
और क्या है? येलो ड्रेस ठीक है, और बताओ। एक्सपेंसिव रिंग, और बताओ। चलो अच्छा, इसके बारे में आप लोग लिखना पूरी तरीके से, अच्छे से लिखना। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इतना देखा, 28 लोग अभी देख रहे हैं आज की क्लास में। कल क्लास सुबह नहीं रहेगी, शाम की क्लास के बारे में जैसा होगा बताएंगे। इसके बारे में सभी लोग जाके इसके कमेंट सेक्शन में लिखना क्या क्या उसकी इमेजिनेशन थी और कैसे थे। आज हमने पूरी तरीके से एकदम अच्छे से चर्चा करने की कोशिश की है, सिर्फ इसलिए कि आप लोग जाके पढ़ोगे और अच्छे से तरीका थोड़ा बदल दोगे। अब जाओगे आप लोग मेन मेन ध्यान ध्यान फोकस करोगे, ठीक है? सभी लोग इसके एक एक मैटर्स को क्या किया है, कैसे कैसे सारी चीजें बातें ध्यान में रहेंगी, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो बना लोगे, ठीक है? अब आप लोग बहुत ही फोकस्ड होके पढ़िए, कहीं से दिक्कत ना आए परीक्षा में। और सेंटेंस जब बनाने ज्यादा पढ़ोगे तो सेंटेंस बना लोगे इजिली, आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा और आप अच्छा कर ले जाओगे। बस इतना ही आज के क्लास के बारे में। इन 30 लोगों में जिन्होंने लाइक किया उनको बहुत बहुत शुक्रिया, है ना? लेदर के कपड़े पहने थी आपने बताया नहीं, लेदर का ब्लैक कलर का साइन, ठीक है? हाँ, जो लेदर न्यू शाइनिंग ब्लैक लेदर्स जो वो पहना हुआ था उसके बारे में कल्पना करती है कि वो कैसा पहना था, नया शाइनिंग जो कर रहा था कपड़ा उसके बारे में कल्पना पड़ी थी, नया कलर का है। हाँ, कौन पहना था? जॉब कैसा? लेदर का ब्लैक कलर का, लिखो ब्लैक लेदर्स। हाँ, ब्लैक शाइनिंग लेदर कपड़ा पहना हुआ था नया, है ना? और वो कि कौन सा कपड़ा पहनी थी? येलो कलर की। जब उसका आ जाएगा तो उसके सामने लिखोगे ब्लैक लेदर का कपड़ा पहनी थी, ब्लैक लेदर का शाइनिंग चमकता हुआ, ठीक है? और आप इसके बारे में आएगा तब इसका येलो ड्रेस था। येलो ड्रेस किसका था? येलो ड्रेस था इसका, क्या नाम है, सोफी का। और इसका जो जॉब का कैसा ड्रेस था? उसका ब्लैक लेदर्स था, ठीक है? हाँ, और उसके पास एक काइंड ऑफ कैप था जो बाहर पीछे की तरफ उड़ रहा था, दुपट्टा कैप हमने बताया था ना, वो पीछे उड़ रहा था। और ये सोचिए कि बाहर संसार उसके वेलकम के लिए खड़ा है और उसका उसका अभिवादन कर रहा है। ये सारी चीजें रही थी, ये सारी चीजें आप लोगों की गलत नहीं होनी चाहिए ना, लेकिन आप लोग छोटी छोटी चीजें। तो कपड़े की बात आएगी तो उसकी बात आएगी, तो ही वोर आ न्यू शाइनिंग ब्लैक लेदर्स लिखिए सभी लोग, ही वोर आ न्यू शाइनिंग लिखो, ही वोर न्यू शाइनिंग ब्लैक लेदर्स लिखो सभी लोग। ही और मतलब वियर पहनने वाला, ही वोर न्यू शाइनिंग ब्लैक लेदर्स लिखो। ओर्ड नहीं होता, ओर सेकेंड फॉर्म खुदा है, जो यहाँ पे और जो है WORE खुद सेकेंड फॉर्म है, पहला फॉर्म है और वियर WWEAR वियर सेकेंड फॉर्म और है तीसरा। हाँ तो तीन फिर से बनाओ। वो अब न्यू शाइनिंग ब्लैक लेदर्स पहना हुआ था, समझ में आ गया कि नहीं? इसके बारे में आपने बताया, जॉब के बारे में हम पूछ रहे हैं। जॉब बार बार हम कई बार नोटिस किए कि आप लोग को जॉब के बारे में बताना है, जो प्रश्न पूछे वही बताया जाए, क्लियर बताओ, एकदम स्पष्ट बताओ। वो अपने बारे में बोली है कि वह कैसा कपड़ा पहनी थी, पीला कलर की, और वो अपने बारे में बोली है कि दुपट्टा है फ्लटरिंग कर रहा था, मतलब जो हिल रहा था। ही वोर ब्लैक लेदर विच वॉज शाइनिंग, जो चमक रहा था, ठीक है? ब्लैक लेदर। चलो ठीक है, इतना ये ध्यान दो, आगे से गलती ना हो। थैंक यू वेरी मच। चलो आप लोगों को शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ध्यान दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कल सुबह क्लास नहीं रहेगी, सभी लोग याद रहे, कल शाम को हो सके 6:30 बजे चलेगी, वो भी जो है बताएंगे हम जैसा होगा। सुबह की क्लास नहीं रहेगी, है ना? कल पेपर है RO RRO का, वहां पे जाना दिलाने, ठीक है? ओके, बाय बाय।